टाइम वैल्यू ऑफ मनी मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट बट सबसे अंडररेटेड टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट बट सबसे अंडररेटेड। अब स्टूडेंट को लगता है कि उसको प्रॉब्लम है इक्विटी वैल्यूएशन में, उसको बॉन्ड में है, उसको फॉरेक्स में, उसको डेरिवेटिव्स में, उसको पोर्टफोलियो में प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से स्टूडेंट को प्रॉब्लम इधर है। और आप सोचते रहोगे कि ये टॉपिक इंडेक्स में तो कहीं था नहीं, ना आईपीसीसी के इंडेक्स में था तो किया नहीं, सब में बीच में जो आया वो कर दिया। सो यहाँ पे मैं कुछ फंडा क्लियर कराऊंगा। अपना एक सब्सटेंशियल पार्ट आज बॉन्ड्स शुरू करने से पहले टाइम वैल्यू कराना इसीलिए भी ज़रूरी है कि बॉन्ड्स में जब मैं आपको कराऊंगा कॉन्सेप्ट, तो आधा क्लास अटका रहेगा इक्वेशन और कैलकुलेशन में, और बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो साइड में रह जाता है। नाउ बॉन्ड इज अ वेरी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, वेरी यूनिक देन योर ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके लिए बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, बट उसमें स्टूडेंट अटक जाता है इक्वेशन और कैलकुलेशन में। तो वो इक्वेशन और कैलकुलेशन में जो चीज़ की वजह से अटक रहा है, सिर्फ बॉन्ड नहीं, आगे जाके मर्जर्स एंड एक्विजिशन होगा या डेरिवेटिव्स होगा जिसमें कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आने वाला है, इंक्लूडिंग एक्सपोनेंशियल, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, ई रेस टू एक्स, ऐसा सब अगर आपने कहीं पे देखा रहेगा तो। वो सब जो चीज़ की वजह से अटकता है उसका ये कारण रहता है कि आईपीसीसी में बहुत अच्छे से टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं किया रहता है। सो वो फाइनल में तकलीफ होता है बट स्टूडेंट को नहीं रियलाइज होता है। सो उसके लिए अपन टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ते हैं। एवरी वन ऑन योर बुक्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट? ओके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बेसिकली देर आर टू वेज ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट रेट्स, एवरी वन इन द क्लास, टू वेज। वन इज सिंपल इंटरेस्ट रेट एंड अनदर इज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट्स। सिंपल इंटरेस्ट रेट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट, सबसे बड़ा फर्क दोनों में क्या है? सिंपल इंटरेस्ट में आपको अगर आपने 1 लाख रुपया बैंक में डाला है और ईयर एंड पे 12% का इंटरेस्ट मिलने वाला है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, मिस्टर राहुल ने 1 लाख रुपया डाला है, एवरीवन इन एन अकाउंट वेर ही इज गोइंग टू रिसीव 12% पर एनम एट सिंपल रेट्स। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ईच ईयर एंड द बैलेंस इन अकाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। मतलब उसको हर साल क्या मिलने वाला, अगर आप नोट करोगे तो हर साल उसको 1 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट मिलेगा 12% 1 साल के लिए ऑन 1 लाख रुपी, तो उसका ईयर एंड पे 1,12,000 हो जाएगा। ईयर टू इंटरेस्टिंग है, ईयर टू में क्या हो जाएगा? ईयर टू में भी उसको 1,12,000 उसका बैलेंस था, लेकिन क्या आप नोटिस कर रहे हो उसको इंटरेस्ट किस पे मिल रहा है? प्रिंसिपल पे ही, प्रिंसिपल पे। क्या कंपाउंडिंग में अपन ऐसा करते हैं क्या? कंपाउंडिंग में आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। ये मेरे को ये साल भी 12,000 मिलेगा, अगले साल भी 12,000 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? सिंपल इंटरेस्ट रेट में, प्रिंसिपल पे ही होता है। क्या है सिंपल इंटरेस्ट रेट? इट इज फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन वेयर द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, क्या हाईलाइट किया मैंने सर, प्रिंसिपल अमाउंट ओनली, एंड इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट, क्या इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द फैक्टर ऑफ रिटर्न ऑन रिटर्न, जिसको अपन बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट रिटर्न। ये सिंपल इंटरेस्ट रेट ने क्या अज्यूम नहीं किया सर? इसने ये अज्यूम नहीं किया कि जो इंटरेस्ट मिला 12,000 का वो भी री इन्वेस्ट हो रहा है। ये सिंपल इंटरेस्ट रेट अज्यूम नहीं करता। ऑफकोर्स आपको पता है कंपाउंडिंग में ये 12 पे भी मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। एवरीवन, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला अगर आपको यहाँ पे बताओ, सिंपल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला क्या किया, अगर आपने वहां पे नोट किया रहेगा अच्छे से, तो मैंने 1 लाख रुपए डाला एवरीवन। अब मेरे को वो 1 लाख पे 12% मिलेगा फॉर 1 ईयर, ऐसा करके मेरे को 1,12,000 का अमाउंट आएगा एवरीवन। सेकेंड ईयर में मैं ये 1,12,000 प्लस, लेकिन अभी मेरे को इंटरेस्ट किस में मिलने वाला है? सिंपल इंटरेस्ट रेट में, एवरीवन एवरीवन एवरीवन, किस में मिलने वाला है मुझे? 1 लाख पे ही इंटरेस्ट मिलेगा 12% पे, तो वो 1,24,000 हो जाएगा। थर्ड ईयर में 1,24,000 प्लस इंटरेस्ट किस पे वापस सर? 1 लाख पे ही मिलेगा, विच इज 1,36,000। एवरीवन इन द क्लास, हो क्या रहा है? आपने कितने से शुरू किया? 1 लाख से इन्वेस्टमेंट शुरू किया, यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दो, और मच्योरिटी में वो थर्ड ईयर के एंड पे कितना हो गया सर आपका इन्वेस्टमेंट? 1,36,000 का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया एवरीवन। अब मैं कुछ डिराइव करने जा रहा हूं, फॉर्मूला फॉर्मूला डिराइव करने जाओ। ये आपने जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया,
ये जो 12,000 पहले साल में, दूसरे साल में 24, तीसरे साल में 36,000 आया, ये आपने इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जरा नोटिस करना। आपने लिया 1,00,000 रुपया, उस पे 12% लिया फॉर जितना भी साल है, 1 साल है तो 1 साल, 2 साल है तो 2, 3 साल है तो 3 साल। ये आपने क्या किया, अगर आप अच्छे से प्यार से नोटिस करोगे तो कहना इसे दिस इज प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, पी इंटू आर इंटू, आप एन बोलते हो, मैं यहां पे टी बोलता हूं और कुछ नहीं, याद है क्या एवरीवन, पी इंटू आर इंटू टी। अब उसके जरिए फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाला, उसका डेरिवेशन जरा ध्यान दो पब्लिक। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाला मैंने, फ्यूचर वैल्यू याद रखो, आपने पब्लिक 1,00,000 रुपए डाला, उसमें वो 1,00,000 रुपए पे 12% लिया फॉर टोटल 3 साल, तब जाके कितना हो गया सर, तब जाके वो 1,36,000 हो गया। एवरीवन, सो मैंने फ्यूचर वैल्यू कैसे डिराइव किया, आई जस्ट नोट इट डाउन हियर। सो मैंने क्या किया, वो 1,00,000 रुपए प्लस, वो तो प्रिंसिपल था, प्लस 1,00,000 रुपए पे 12% फॉर 3 साल मैंने कंसिडर किया, तो मच्योरिटी में 1,36,000 हो गया। अब अगर इसको मैं इसमें से, अभी सर आप कैलकुलेटर में बाय द वे कैसे करते हो बताएं, 1,00,000 रुपए प्लस 12% कर देते हो तो कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली 1,00,000 प्लस 12% कर देता है, लेकिन लिखने के टाइम पे आई हैव टू राइट 1,00,000 प्लस 1,00,000 पे 12% फॉर 3 ईयर्स। नाउ व्हाट इज दिस इक्वेशन, मैंने यहाँ पे बेसिकली अगर इसमें से आप नोटिस करोगे तो मैं 1,00,000 कॉमन ले सकता हूँ, तो आएगा क्या ब्रैकेट में, 1 प्लस 1 प्लस क्या 12% 3 साल के लिए, तो 1,36,000 हो जाएगा। ऐसा करके मैंने एक इक्वेशन डिराइव किया, दिस इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू इंटू एवरीवन, क्या किया मैंने, 1 प्लस 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू। ये मेरा फ्यूचर वैल्यू का इक्वेशन। सो दो इक्वेशन, एक इंटरेस्ट का इक्वेशन और दूसरा फ्यूचर वैल्यू का इक्वेशन, बट ऑल दिस इज सिंपल इंटरेस्ट रेट। क्या बोला मैंने, सिंपल इंटरेस्ट का प्रॉब्लम क्या, सिंपल इंटरेस्ट रेट क्या अज्यूम करता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अज्यूम करता है क्या, नहीं करता है, वो अज्यूम करता है प्रिंसिपल पे ही रिटर्न मिला। अब पब्लिक इसके मुकाबले अगर मैं यही चीज कंपाउंडिंग में करता, ये पूरा चीज मैं कंपाउंडिंग में करता, सो पब्लिक ध्यान देना अपन क्या करते वहां पे। कंपाउंडिंग में अगर मैंने 1,00,000 रुपया डाला है बैंक में, पब्लिक मैंने 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया है, तो पहले साल पे मेरे को 1,00,000 पे 12% फॉर 1 ईयर कितना हो जाएगा, 1,12,000 ही हो जाएगा। ईयर वन में देर इज नो चेंज, नाउ द चेंज विल स्टार्ट फ्रॉम ईयर टू वेर द कंपाउंडिंग इफेक्ट विल कम इन टू फोर्स। मतलब सर सेकेंड ईयर पे मेरे बैंक में 1,12,000 था, अब क्या हो जाएगा, अब मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन पूरा क्लास बताएगा किस पे, 1,12,000 पे 12% मिलेगा। तो पब्लिक अभी जरा ऐड करोगे, पब्लिक कितना होता है, 1,12,000 पे 12% प्लस 1,12,000, आपको वहां पे फिगर अभी चेंज हो जाएगा 125,440। अब सर ये 125,440 पे, 125,440 पे 12% फॉर 1 मोर ईयर करूंगा, तो मेरे को क्या फिगर आने वाला है पब्लिक, मेरे को आएगा 140,493। अब अगर आप नोटिस करो, आपने शुरुआत कितने से किया सर, आपने शुरुआत किससे किया, आपने शुरुआत किया यहां पे 1,00,000 रुपए से, और वो मच्योरिटी में कितना हो गया, ये 1,00,000 रुपए मच्योरिटी में 1,40,000 हो गया। क्या कोई मेरे को बता सकता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कितना, 1,00,000 से 1,40,000 में इंटरेस्ट कितना हो गया, प्रिंसिपल तो 1,00,000 ही डाला था, 40,493 इंटरेस्ट हो गया एवरीवन। और मैंने फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाला, अब टाइम आया है वो डिराइव करने का, जरा ध्यान दो। आपने 1,00,000 रुपया डाला प्लस वो 1,00,000 रुपए पे आपको 12% का इंटरेस्ट मिला 1 साल के लिए, तो आपका मच्योरिटी में 1,12,000 हो गया। फिर आपने ये 1,12,000 पे भी, 1,12,000 पे भी आपने क्या किया, उसमें भी आपने प्लस 1,12,000 पे 12% लिया 1 और साल के लिए। ऐसा करते करते बेसिकली आपने क्या किया, मैं कट शॉर्ट करके बता रहा हूं आपको कि आपने किया क्या, आपने अच्छे से ध्यान देना, आपने 1,00,000 प्लस वो 1,00,000 पे 12% तो किया
फॉर वन ईयर, फिर 1,12,000, फिर उस पे 12. तो अगर इसमें से मैं कॉमन हटा दूं तो बेसिकली मैंने क्या किया, 1,00,000 पे 1+0.12 किया फैक्टर में. अब ये आ जाएगा मेरे को 1,12,000. ये 1,12,000 जो मैंने निकाला कैसे, 1.12, ये पूरे पे वापस मैंने 12% ऐड किया कैसे, 1.12 फैक्टर से मल्टीप्लाई करके. एवरीवन, वो जो आंसर आया मेरे को 125,440, उस पे वापस मैंने 1.12 किया, कंपाउंड किया, तब जाके मेरे को 1,44,93 आया. बेसिकली मैंने क्या किया, अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने 1,00,000 पे 1+0.12 कितनी बार किया, 3 बार किया, तब जाके 1,44,93 आया. अब अगर इससे मैं डिराइव करूं तो सर मैं ये निकाल रहा हूं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट. इसमें मैंने क्या किया है, मैंने किया है दिस इज प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r रेज टू टी इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू. ये अगर कंपाउंडिंग में देखोगे तो r इंटू टी हो गया, ये रेज टू टी हो गया. सिंपल में क्या था, r इंटू टी था फ्यूचर वैल्यू में, यहां पे क्या हो जा रहा है सर, रेज टू टी, दैट इज व्हाट कंपाउंडिंग इज. एवरीवन, और इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आपने कैसे कैलकुलेट किया था, सिंपल इंटरेस्ट पब्लिक p इंटू r इंटू टी. लेकिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है. कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे पब्लिक, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, 40,000 कैसे आया, 40,000 आया ना, आपने कैसे पता मेरे को 40,000. सर सिंपल सिंपल, क्या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपने कैसे बताया, पता है, फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू, वही किया ना आपने. एवरीवन, पब्लिक जाग रहे हो कि नहीं, फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू किया. तो ये फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपने मेरे को बताया, फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाला, फ्यूचर वैल्यू मैं बोल सकता हूँ प्रेजेंट वैल्यू, ऊपर ही तो लिखा है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r रेज टू टी, ये फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू. तो प्रेजेंट वैल्यू कॉमन, मैं क्या करता हूं 1+r रेज टू टी माइनस 1. अगर मैं आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का ऐसा फॉर्मूला बताऊं तो आपको चक्कर आ जाए कि क्या चल रहा है. बट आपने उसको कट शॉर्ट, शॉर्ट फॉर्म में कैसे किया, फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू, मैंने वही भी लिखा, फ्यूचर वैल्यू का इक्वेशन लिखा है, उसको कॉमन किया. ये सब तो ठीक है, इससे मैंने आपको डिराइव कराया क्या है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या है. जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट आपने पहले निकाला p इंटू r इंटू t, पब्लिक आप ब्रैकेट में डाल दो उधर, r और t है ना, r इंटू t, उसको ब्रैकेट में डाल दो इधर टाइम वैल्यू में, mna के बाद r इंटू t. हाँ, लेकिन अगर आप पीछे नोट करो पब्लिक, कंपाउंडिंग में, कंपाउंडिंग में मैंने क्या किया है, यहां पे नोटिस करो पब्लिक, r 1+r रेस टू टी, रेस टू टी. एवरीवन, सो अब अगर मैं यहां पे आपको इक्वेशन दू सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का, उसके पहले आप मेरे को यहां पे इक्वेशन में ध्यान देना. सपोज मैं प्रेजेंट वैल्यू देता हूं 1,00,000 रुपी, रेट ऑफ इंटरेस्ट देता हूं 12% और टाइम देता हूं 5 साल. सुनना यहां पे, टाइम वैल्यू मैंने क्या बोला, इसके बगैर बॉन्ड नहीं कर पाओगे, बॉन्ड्स के आगे का डेरिवेटिव्स में भी तकलीफ होगा, एमएनए में भी तकलीफ होगा. सो अगर मैं यहां पे आपको बोलूं दो चीज निकालो पब्लिक, दो चीज निकालो, एक मेरे को फ्यूचर वैल्यू तो निकालना ही है और मेरे को इंटरेस्ट रेट भी निकालने का है, तो आप दो चीज निकालोगे, फ्यूचर वैल्यू और इंटरेस्ट रेट. लेकिन 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 कैसे सर, पहले मेरे को सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से भी और फिर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के तरीके से. बिफोर यू ऑल हिट द बटन्स, कैन यू ऑल टेल मी द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रेट, एवरीवन इन द क्लास, पी इंटू आर इंटू टी. और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का आपको याद नहीं रहेगा, बट आपने क्या किया, फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू, वैसे किया कंपाउंडिंग में. तो पहले कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाला बता सकते हो, कैन आई से प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r रेस टू टी. तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैसे किया, फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू, उसमें मैं प्रेजेंट वैल्यू कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 1+r रेस टू टी माइनस 1.
फ्यूचर वैल्यू थ्रू सिंपल इंटरेस्ट रेट, सिंपल इंटरेस्ट रेट थ्रू फ्यूचर वैल्यू में क्या करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटू वन प्लस डबल ब्रैकेट देख रहे हो क्या, आर इंटू टी डबल ब्रैकेट आर इंटू टी, यहां पे इंटू है यहां पे रेस टू है, एवरीवन निकाल सकते हो इक्वेशन, बताओ मेरे को क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे इक्वेशन में, फिगर में क्या लिखूंगा, प्रिंसिपल कितना है सर 1,12,000 फॉर 5 साल, इधर मैं क्या करूंगा 1 लाख ब्रैकेट में 1.12 रेस टू 5 माइनस 1, एवरीवन तो जरा कैल्सियम में डालो 1.12 रेस टू 5 कैसे करोगे, इनटू इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू क्यूब इक्वल टू 4 इक्वल टू 5 माइनस 1 इनटू 1 लाख कम्स टू, नहीं माइनस 1 करना है, फ्यूचर वैल्यू नहीं बोला मैंने, 76,234 ये सिर्फ इंटरेस्ट बोला, अब इसी के जरिए आप फ्यूचर वैल्यू निकालते तो डेफिनेटली 176 आना चाहिए, 176 आप लिखोगे कैसे लिखोगे 1 लाख इंटू 1.12 रेस टू 5 दिस विल गिव यू हाउ मच 176,234 सिंपल इंटरेस्ट रेट, पब्लिक सिंपल इंटरेस्ट रेट में मैं कैसे करूंगा यहाँ पे डेफिनेटली मेरे को कैलकुलेटर के बगैर भी मैं कर सकता हूँ 60,000 और यहाँ पे मेरे को क्या आएगा 1,60,000 एवरीवन बराबर, दिस इज द डिफरेंस सर, व्हाट इज द डिफरेंस इन अमाउंट, कैन यू टेल मी द डिफरेंस इन अमाउंट एवरीवन, प्रेजेंट वैल्यू डिफरेंस कितना, पब्लिक क्या चीज के वास्ते वो डिफरेंस आया है, जो 16,000 आपका जो डिफरेंस आया है 234 रुपए इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, जो सिंपल में नहीं मिला कंपाउंडिंग में कंसीडर हुआ, मेरी बात अच्छे से सुनना, ये 16,000 का डिफरेंस क्या चीज का है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इसको दोस्त अहमद क्या बोलते रोहित, इसको बोलते री इन्वेस्टमेंट रिटर्न, रीइन्वेस्टमेंट करने की वजह से जो रिटर्न आया वो, सो क्या आपने ऑब्जर्व किया सिंपल इंटरेस्ट रेट कुछ अज्यूम करता है क्या बताऊं मैं, सिंपल इंटरेस्ट रेट कुछ अज्यूम करता है, सिंपल इंटरेस्ट रेट अज्यूम करता है कि आपको साल के एंड पे जो पैसा आया इनकम वो विड्रॉ कर लिया आप घर पे लेकर गए, वो आपने रीइन्वेस्ट नहीं किया, वो रीइन्वेस्टमेंट करते तो उसमें भी इंटरेस्ट मिलता, तो बाय डिफॉल्ट एवरीवन इन द क्लास बोलो कंपाउंडिंग रिटर्न क्या अज्यूम करता है, कि आपने पैसा विड्रॉ किया क्या, नहीं पैसा वहां पे ही रखा, ये आपको जानना जरूरी, सिंपल इंटरेस्ट कोई बोलेगा नहीं, आपको पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट क्या अज्यूम कर रहा है, कि आपने जो इनकम जनरेट हुआ साल के एंड में वो घर पे लेकर गए, वरना वो 1 लाख नहीं 1,12,000 पे मेरे को रिटर्न मिलना चाहिए रहता था, अंडरस्टूड, और कंपाउंडिंग क्या अज्यूम करता है, मैं 12,12,000 घर पे लेके गया, नहीं वो पड़ा हुआ है इसीलिए उस पर भी रिटर्न मिल रहा है, दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस, और ये जो 16,000 का अभी आपने डिफरेंस देखा वो क्या चीज का डिफरेंस था, दैट इज बिकॉज ऑफ री इन्वेस्टमेंट, सो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट तो आपको भले आता हो लेकिन जरा दोनों में फर्क समझो, और इसका बॉन्ड के साथ बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन, कैपिटल बजटिंग के साथ बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन वो समझो, हाँ क्या पब्लिक जरा वो नोट पे आ जाओ, इंपॉर्टेंट नोट पे क्या लिखा मैंने, इन कंपाउंडेड इंटरेस्ट द एनुअलाइज इंटरेस्ट इज ऑलवेज हायर देन सिंपल इंटरेस्ट, पब्लिक कंपाउंडेड इंटरेस्ट में जो एनुअलाइज इंटरेस्ट करूंगा वो सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा ज्यादा होगा, कब कब कब, व्हेन कैलकुलेटेड फॉर मोर देन 1 ईयर, क्यों 1 ईयर के एंड पे दोनों 1,12,000 ही हो रहा था, 1 ईयर के एंड पे दोनों 1,12,000 ही होने वाला है, पब्लिक यहाँ पे भी 1,12,000 कंपाउंडिंग में और सिंपल में भी 1,12,000 ही होने वाला है, एवरीवन आगे ये डिफरेंस बढ़ते जाएगा सर, बढ़ते जाएगा कब, जब दो चीज होगा सर, रेट बढ़ते जाएगा तो, या टाइम बढ़ते जाएगा तो, टाइम बढ़ते जाएगा तो रीइन्वेस्टमेंट ज्यादा होते रहेगा, तो सर क्या लिखा है मैंने, द डिफरेंस बिटवीन बोथ इज ड्यू टू रीइन्वेस्टमेंट रिटर्न दैट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, और जरा लास्ट वाले पॉइंट पे पहले आना, क्या द मोर द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंपाउंडिंग द हायर इज द कंपाउंडेड इंटरेस्ट एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट एंड लार्जर इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, समझा क्या, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बिटवीन द लाइंस था कैलकुलेशन के बीच में जो हो गया वो मैं बता रहा हूं, कैलकुलेशन के बीच में क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर करता है, इनकम अर्नड एज विड्रॉन, आप घर पे लेकर गए
तो इंस्टेड ऑफ दैट कंपाउंडिंग क्या अज्यूम करता है, दैट द अमाउंट वॉज इन्वेस्टेड कंटिन्यूअसली टिल मच्योरिटी. समझा क्या पब्लिक? ये बाय डिफॉल्ट. ओके एवरीवन इन द क्लास, वन वेरी 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 इंपॉर्टेंट अजम्पशन ऑफ कंपाउंडिंग रिटर्न. क्या आपने कुछ नोट किया? क्या नोट किया? नोट किया? नोट किया? दोस्त पुनित इधर ध्यान दो, क्या आपने कुछ नोट किया? कंपाउंडिंग रिटर्न में रिटर्न कितना मिला मेरे को? मैंने एग्जांपल में 12%, और वो जो रिटर्न पे रिटर्न है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी कितना मैंने अज्यूम किया? 12. मतलब समझो मैंने बैंक में पैसा डाला, ईयर एंड पे 12,000 मिला, वो 12,000 वापस डाला निकाल के, वापस निकाल के मैं डालू इंडिविजुअली तो भी 12. दूसरे साल पे जो 12,000 मिला पब्लिक, वो दूसरे साल के एंड पे मैंने बैंक में वापस डाला, तभी भी 12%. ये कंपाउंडिंग का बाय डिफॉल्ट अजम्पशन है. व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? जरूरी थोड़ी है कि अगले साल जब मैं इन्वेस्टमेंट करूं वो 12,000 को तो 12 ही मिले, तब बैंक में इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया तो क्या हो सकता है दोस्त? 12 से ज्यादा भी हो सकता है, 12 से कम भी हो सकता है. बट कंपाउंडिंग रिटर्न बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम करता है, सुनना मेरी बात अच्छे से, कंपाउंडिंग रिटर्न अज्यूम करता है इंटरेस्ट भी उतना और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी उतना, जो प्रैक्टिकल लाइफ में रेप्लीकेट करना बहुत डिफिकल्ट है. मतलब क्या कि सर अगर बैंक में मैं ऐसा एफडी किया, सुनना मेरी बात अच्छे से, बैंक में मैंने ऐसा एफडी किया जहां पे बैंक मेरे को 5 साल बाद 1 साल देने वाला, 5 साल बाद 1 साल देने वाला, तो किसका फर्ज है कि रिटर्न भी उतना दे और रिटर्न पे रिटर्न भी उतना दे? कौन लेगा ये रिस्क? बैंक लेगा. इसको बोलते हैं रीइन्वेस्टमेंट रिस्क. क्या है बैंक को रीइन्वेस्टमेंट रिस्क? बैंक को इंश्योर करना कि मेरे को इंटरेस्ट भी 12 मिले और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी 12 मिले. लेकिन सर बैंक अगर ये नहीं करता और बैंक मुझे 12,000 दे देता है घर पे के ले रख तू, तो रीइन्वेस्टमेंट रिस्क मेरा है कि वो 12,000 पे भी 12 है, वरना मेरा मेच्योरिटी वैल्यू मैच नहीं होगा. पूरा बॉन्ड्स और पूरा कैपिटल बजटिंग में एक कॉन्सेप्ट आता है, रिटर्न ऑन रिटर्न, कंपाउंडिंग रिटर्न. दैट इज बॉन्ड में इसको बोला जाता है प्यार से YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी. यील्ड टू मैच्योरिटी सुने हो क्या आपने? YTM 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 सुना है क्या? वो YTM क्या है? कंपाउंडिंग रिटर्न है. मतलब बॉन्ड में तकलीफ क्या है? क्या अज्यूम करता है बॉन्ड? रिटर्न भी सेम, रीइन्वेस्टमेंट रिटर्न भी सेम. यही कॉन्सेप्ट कैपिटल बजटिंग में IRR, IRR. IRR भी क्या अज्यूम करता है? प्रोजेक्ट में आपने पैसा डाला, वो उसका रिटर्न फॉर्म में कितना पैसा है, वो भी कंपाउंडिंग है. सर लेकिन प्रोजेक्ट में से तो मेरे को 40% रिटर्न भी आ सकता है, तो क्या 40% पे री इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल है क्या? एट टाइम्स नॉट पॉसिबल. सर आप बिजनेस से जो पैसा आता है वो री इन्वेस्ट किधर करोगे? समझो बैंक एफडी में करोगे. बैंक एफडी थोड़ी देगा 40%. बट कैपिटल बजटिंग का IRR कॉन्सेप्ट और बॉन्ड का YTM बाय डिफॉल्ट तकलीफ क्या है उसमें? क्या अज्यूम करता है? रिटर्न्स एंड रिटर्न ऑन रिटर्न सेम, री इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी सेम. ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, आपको थियरी में आ सकता है ये. तो मैंने यहां पे क्या लिखा है, हाउएवर अचीविंग कंपाउंडेड रिटर्न इन प्रैक्टिकल लाइफ इज समवॉट डिफिकल्ट. क्यों? क्यों? ड्यू टू द फैक्टर ऑफ री इन्वेस्टमेंट. ये अपना डिस्कशन का टॉपिक बनेगा कैपिटल बजटिंग में, IRR में या बॉन्ड्स में, YTM में. दे आर बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. तो सिंपल और कंपाउंडिंग पढ़ाने के पीछे का मकसद आपको पता चले दोनों में बड़ा फर्क क्या है. अब वैसे रियल लाइफ में एवरीथिंग इज कंपाउंडिंग, नॉट एट सिंपल रेट्स. एवरीथिंग इज कंपाउंडिंग. क्लाइंट विल आस्क यू नॉट फॉर सिंपल रिटर्न्स बट कंपाउंडिंग रिटर्न्स. एवरीवन क्लाइंट विल सी कि ईयर ऑन ईयर मतलब ओवरऑल कंपाउंडेड रिटर्न कितना आ रहा है, कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट. अब जब मैं क्लाइंट के लिए कंपाउंडिंग रिटर्न निकालूंगा तो कंपाउंडिंग रिटर्न में भी मेरे को देखना पड़ेगा आगे जाके कौन सा कंपाउंडिंग, एनुअलाइज्ड, सेमी एनुअलाइज्ड, क्वार्टरली, मंथली, वो सब भी आने वाला है एवरीवन. लेकिन उसके पहले अब अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे तो क्या आपको अभी एक इक्वेशन जमेगा? इक्वेशन पूरा क्लास कंपाउंडिंग से फ्यूचर वैल्यू का इक्वेशन अभी पूरे क्लास को जमेगा. व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू? व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू? कैन आई से इट्स प्रेजेंट वैल्यू इनटू इनटू 1 + r^2 t, दैट इज माय बाय डिफॉल्ट इक्वेशन. अब उसमें पब्लिक जरा ध्यान दो, उसमें ये 1 + r^2 t क्या करता है?
1+R⁻⁺t ये क्या है, ये एक ऐसा फैक्टर है, सुनना मेरी बात अच्छे से, ये एक ऐसा फैक्टर है जो प्रेजेंट में पड़े एक रुपए को किधर लेके जाता है, फ्यूचर में। इसीलिए इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर, जिसका आंसर हमेशा एक से ज्यादा रहेगा, समझा। तो पब्लिक अगर मैं यहां पे ऐसा लिखूं, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालू, कैन आई से प्रेजेंट वैल्यू इज फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/1+R⁻⁴t। सो पब्लिक ये 1/1+R⁻⁴t जो मैंने लिखा है, 1/ ये वाला पार्ट, ये इसको मैं क्या बोलू, इसको मैं क्या बोलू, ये क्या है, फ्यूचर में पड़े एक रुपए को प्रेजेंट में लेके आता है। इसीलिए अपन इसको क्या बोले सर, डिस्काउंट फैक्टर, जिसका आंसर हमेशा लेस देन वन। और आप आगे जाके जब बॉन्ड वॉन्ड करोगे तो इसको लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका है, ये पहला वाला कौन सा फैक्टर है, कंपाउंडिंग फैक्टर, ये वैल्यू को किधर लेके जाता है, फ्यूचर में। तो इसको अपन लिखते हैं FVIF, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, कुछ बुक्स में FVF ही लिखा है, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एक्स परसेंटेज फॉर टी नंबर ऑफ इयर्स, जितना भी परसेंटेज है। सो पब्लिक ये जो नीचे वाला फैक्टर है वो वैल्यू को किधर लेके आता है, प्रेजेंट में। तो मैं क्या लिखूंगा बता सकते हो आप, PVIF, एक्स परसेंटेज फॉर टी इयर्स, ये इसको लिखने का तरीका है और कुछ नहीं। क्यों मैं ऐसे बता रहा हूं पता है, क्योंकि सम के अंदर आपको शायद दिया रहेगा PVIF फैक्टर, FVIF फैक्टर, आपने इक्विटी वैल्यूएशन में नोट किया था क्या, टेबल के नीचे लिखा था PVIF फैक्टर, PVIF प्रेजेंट वैल्यू हुए लाने वाले फैक्टर्स, तो टेबल में फैक्टर दे दिए रहते थे, तो आपने याद है टेबल में बनाया था इक्विटी वैल्यूएशन, वरना इक्वेशन में किए थे, तो फैक्टर्स है कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग फैक्टर्स। अब कभी कभार ये फैक्टर ना दे तो आप इक्वेशन में भी बिठा सकते हो, फैक्टर दे तो आपको टेबल में कर रहेगा। अब पब्लिक मैं क्लास में एक क्वेश्चन पुटअप करता हूं जो कंपाउंडिंग वाला है, आपके बुक्स में, एवरीवन आपके बुक में क्वेश्चन है यहां पे, इसको अप्लाई करने का है एवरीवन, ये सेकंड वाला क्वेश्चन, सॉरी कौन सा वाला, हाँ फर्स्ट वाला दिख रहा है, ये वाला मिस्टर विजय इन्वेस्टेड वाला, एवरीवन क्या लिखा है मैंने, मिस्टर विजय इन्वेस्टेड इन एन एफडी रिसीव्ड विद अ मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ 133 100, मैच्योरिटी वैल्यू मतलब फ्यूचर वैल्यू बराबर पब्लिक, टू बी रिसीव्ड आफ्टर 3 इयर्स, मतलब टाइम 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, मेरी बात अच्छे से सुनना, अगर इंस्टीट्यूट सिर्फ 10% पर एनम लिखे तो वो सिंपल इंटरेस्ट रेट है, कंपाउंडिंग के लिए उनको लिखना पड़ेगा 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, समझा क्या। What would be the amount at which it was invested? Sir, अभी यहाँ पे अगर आप equation देखोगे तो मेरे को future value दिया हुआ है, बराबर 1+R⁻⁺t में present value निकालूंगा, that's quite simple. लेकिन अब जो second वाला है public, second वाला, ये वाला, उसका अपन equation बनाने का कोशिश करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना public. Second वाले का मैं equation कैसे बनाऊंगा, calculate ROI for an FD scheme which promises maturity value, मतलब 146410 क्या future value? तो पब्लिक मैं इसको लिख लेता हूं, 146410 इज व्हाट माय फ्यूचर वैल्यू, एवरीवन फ्यूचर वैल्यू 146410 क्या दिया आगे, एट द एंड ऑफ 4 इयर्स विद एन इमीडिएट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख, एट द एंड ऑफ 4 इयर्स, पब्लिक टाइम दिया है 4 इयर्स विद एन इमीडिएट इन्वेस्टमेंट, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 लाख, आपको ढूंढना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एवरीवन पूरा क्लास जरा मेरे को इक्वेशन बता सकते हो क्या आएगा सर, इक्वेशन तो वही आएगा क्या, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1+R⁻⁺t। सिस्टम जरा अच्छे से देखना, पहले इंफॉर्मेशन लिखो फिर इक्वेशन लिखो, तब तक एलसी को मत टच करो। तो इक्वेशन में डाल दूंगा क्या है, 146410 इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू कितना, 1 लाख इंटू 1+R, आर ही तो ढूंढ रहा हूं, रेस्ट टू टी 4, समझा क्या। सो सर मैं 1 लाख को उधर लेकर जाऊंगा तो इक्वेशन क्या बनेगा, 1+R⁴ इक्वल्स टू 1.46410, 1 लाख डिवाइड हो जाएगा, पब्लिक इधर रेस टू 4 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैन आई से रेस टू 1/4, समझ रहे हो क्या, इधर 1+R है,
उधर जाएगा तो वन क्या हो जाएगा सर, उधर वन माइनस हो जाएगा और मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब कैल्सियम है, 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, तो 1/4 मतलब 2 बार स्क्वायर रूट, तो जरा कैल्सियम में डालो 1.4641, 2 बार स्क्वायर रूट मारो, माइनस 1 × 100 करो, आपको प्यार से आ गया वहां पे कितना 10%। एवरीवन इन द क्लास समझा क्या? लेकिन अब अगर पूरे इक्वेशन में मैं बाकी सब सेम होके ये बोलता कि दोस्त एवरीथिंग इज प्रॉपर, एवरीथिंग इज सेम, बट इंस्टेड ऑफ 4 अगर मैं 5R लिखता तो आप क्या करते, रेस टू इधर क्या हो जाता इक्वेशन, रेस टू 5। सर रेस टू फाइव मतलब मैं यहां पे क्या हो जाता, मेरा क्या हो जाता यहां पे 1/5। अब 1/5 पॉसिबल है कैल्सियम में है क्या? तो इसको करने के लिए आप इधर बैठे हो अभी, जो बॉन्ड में तकलीफ होने वाला है, इसको कैसे करने का, इसको थोड़ा बहुत आपने किया भी है शायद, मैं आपको रियलाइज कराऊंगा कहां पे किया हुआ है, और तब आपको रियलाइज होगा कि टाइम वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों कहीं ना कहीं पे आता ही है। सो अभी करना क्या है पब्लिक अच्छे से ध्यान दो, अभी मैं ये इक्वेशन अगर वापस लिखूं तो इक्वेशन बनता क्या था जरा अच्छे से ध्यान देना, 1 + R^5 = 1.4641 0। मतलब कोई तो ऐसा रेट है जिसको 5 बार कंपाउंड करूं तो 1.4641 आना चाहिए। अब आपने पहले वाले सम से लॉजिक लगाओ कि 10% पे करूं तो 4 साल में ही आ जाता था, पहले 10% आया था ना आंसर, 10% करूँ तो 4 साल में ही आ रहा था, अभी वही चीज 5 साल में चाहिए तो 10 से ज्यादा या कम, कम कम कंपाउंड करूंगा तो भी चले क्योंकि 5 साल में चाहिए। सो अब मेरे को करना पड़ेगा क्या, वो गाउटी टेक्निक याद है ना, गाउटी टेक्निक ट्रायल एंड एरर। तो पहले मैं क्या करूंगा, अभी मैं 10 पे तो करके देखा ना, अभी मैं करूंगा 8% पे, जरा करके देखो पब्लिक कितना आता है, क्या करोगे 1.08, 5 बार कंपाउंड करो, क्या आ रहा है पब्लिक आंसर 4693। ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है, आपको 4641 चाहिए था ना, ये 93 ज्यादा आ गया दोस्त, तो तुमको इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा, 60% पे करो कितना आता है पब्लिक, 60% 5 बार कंपाउंड करो 1.4026 बोला ना। तो अभी पब्लिक जरा नोट करो क्या किया मैंने, इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ाया 7 से 8%, तो वैल्यू कितने से कम हुआ, 40 नहीं, वैल्यू क्या हो गया, वैल्यू भी बढ़ गया, कंपाउंड किया ना अपन, वैल्यू कितने से बढ़ गया पब्लिक, 4026 से 4693 कितना बढ़ गया जरा बताओ मेरे को, 0.66 क्या आगे, 66 क्या 7। सर अपने को 4026 से किधर जाना था, अपने को 4026 से 93 तक नहीं जाना था, अपने को 41 तक जाना था, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 0.0 निकालो पब्लिक, 6 क्या 1.5, उतना बढ़ाने के लिए कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 60% में कितना बढ़ाना पड़ेगा, 0.92%। बेसिकली आंसर इज 7.92%। आपका आर 10 से तो कम ही आया, लेकिन इसके साथ एक चीज प्यार से कर देने का जो इंस्टीट्यूट भी करता है अप्रोक्सीमेट, क्योंकि ये एक्चुअल आंसर नहीं है, ये एक तरीका है करने का, ये एक तरीका है, मतलब कोई और तरीका भी है, हाँ कोई और तरीका भी है, वो तरीका है आपके कैलकुलेटर में छुपा हुआ। अब वो तरीका क्या है, चाहिए था क्या पब्लिक, चाहिए था क्या मेरे को क्या चाहिए था सर, मेरे को है ना, मेरे को एक्चुअली 1 + मैं वापस से लिखता हूं 1 + R^5 1.46410 ऐसा चाहिए था 5 बार कंपाउंड करके। अगर ये रेस टू 4 रहता और उस तरफ आता तो आप क्या करते थे सर, आप R = 1.4641 1/4 करते थे, अभी एक्चुअली मेरे को 1/5 चाहिए था जो नहीं आया, राइट right? तो अभी इसको करने के लिए कैल्सियम में क्या करने का, जरा डालो आपके कैल्सियम में जो मैं बोल रहा हूँ एक एक करके, सब स्टेप लिखा हुआ है मैंने, टेंशन मत लो, 1.46410 डाला कैल्सियम में। अब आपने किया भी अगर आपको याद हो तो 12 बार मारो स्क्वायर रूट मारो कितना टाइम, 12 टाइम्स। एवरीवन किया,
डिवाइडेड बाय क्या करोगे, पावर, पावर, पावर में क्या है यहां पे 5, तो डिवाइडेड बाय 5 किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, प्लस 1, प्लस 1, प्लस 1, राइट। अभी सुनना अच्छे से, क्या करना है, इनटू इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, ऐसा कितनी बार करना है, 12 बार, इनटू इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, 12 बार, अंडरस्टूड। आपका आंसर आ गया है, लेकिन माइनस 1 और इनटू 100 करना बाकी है। तो आपको सर आंसर वही आने वाला है, तकरीबन तकरीबन सेम आएगा। क्या आएगा आंसर, 7.92% अप्रोक्सीमेटली आया। पब्लिक दिख रहा है क्या, आया क्या, नहीं आया, मैं जो बोल रहा हूँ वो फॉलो करो, हाँ करो, मेमोरी क्लियर। अच्छा मेरा रह गया, सॉरी, माइनस 1 उस तरफ रह गया था, सॉरी सॉरी, करो 1.4641 बराबर स्क्वायर रूट माइनस 1 बताना रहेगा मेरा, बराबर स्क्वायर रूट माइनस 1, माइनस 1 किया पब्लिक। अभी डिवाइडेड बाय पावर, डिवाइडेड बाय पावर में क्या है 5, ये बार वाले में 5 है ना, 1 बाय 5 है तो डिवाइडेड बाय 5, प्लस 1 किया, इनटू इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, बराबर, इनटू इक्वल टू, इनटू इक्वल टू करते जाओ बराबर, माइनस 1 इनटू 100 दैट शुड गिव यू 7.92%। तो सर आया 7.92। अब ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बढ़ते जाएगा अगर आप गैप थोड़ा बड़ा रखते रहोगे तो। अब ओरिजिनल आंसर ये भी नहीं है, ओरिजिनल आंसर साइंटिफिक एलसी से ही होता है, बट अपना आंसर 4 डेसिमल तक सही आएगा। क्यों 4 डेसिमल तक सही आएगा, क्योंकि आपने 12 बार स्क्वायर रूट किया है, 12 से ज़्यादा 13 14 15 बार करोगे तो और एक्यूरेट आते जाएगा, बट 12 बार सफिशेंट हो गया। अब आपको हर समय ये नहीं करना पड़े, बट जब जब करना पड़े ऐसा 100 में से शायद एक दो समय आ सकता है, बट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। या तो ट्रायल एंड एरर इंटरपोलेशन से भी कर सकते हो, या तो ये शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हो, ये आपको बार बार आते रहेगा, राइट ऐसा है। अब बोल, तुम्हारा इंस्टीट्यूट क्या लिखता है तेरे को पता है, बाय एक्सेल। इंस्टीट्यूट के पीएम में खोल के देखो बाजू में क्या लिखा है पता है क्या, ये जो तेरा आंसर रहता है ना पूरा इक्वेशन का डायरेक्ट आंसर रहता है, आर इक्वल्स टू 8% अप्रोक्स बाय एक्सेल। मैं थोड़ी लिखूंगा बाय एक्सेल, अंडरस्टूड। तो इंस्टीट्यूट तो बीच में कोई स्टेप ही नहीं करता, इंटरपोलेशन इंटरपोलेशन डायरेक्ट आंसर वो तुम्हारे पीएम में। अभी वो आंसर आया किधर से, वो या तो इंटरपोलेशन से या तो ये वाले मेथड से, इसका कहीं पे कोई मेंशन नहीं आपके बुक में। इंस्टीट्यूट के उसमें डायरेक्ट इक्वेशन के बाद फटाक से आंसर है। सो कहीं पे उन्होंने लिखा है बाय इंटरपोलेशन और कहीं पे उन्होंने लिखा है बाय एक्सेल, अनफॉर्चुनेटली ऐसा लिखा है। तो वो बाय एक्सेल वेक्सेल कुछ नहीं, अपने पास एक्सेल चीट नहीं है, या तो ट्रायल एंड एरर से या तो ये वाले मेथड से। अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, आइडियली यू शुड हैड बीन प्रोवाइडेड विद साइंटिफिक एलसी सो दिस मिस्टेक डजंट हैपन। ये सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट के सब में ये प्रॉब्लम होता है, बाकी कहीं पे नहीं, बाकी सब जगह साइंटिफिक एलसी है। यू जस्ट प्लग इन द इक्वेशन इट गिव्स द आंसर, ऐसा है। पोर्शन रिवाइज कर दिया उन्होंने, एलसी भी कर देते अच्छा रहता, साइंटिफिक एलसी ही होता है सब जगह यूज। बराबर पब्लिक, ये देखो यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया अच्छे से, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। अब अगर आपको कंपाउंडिंग जमा है तो अब मैं आपको कुछ इक्वेशन बता रहा हूं। इक्वेशन फ्रेमिंग सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जो आपने इक्विटी वैल्यूएशन में समझा रहेगा, इक्वेशन बनाना पहले सबसे ज्यादा जरूरी। सो अब यहाँ पे पब्लिक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एवरी वन जरा एग्जाम्पल नोटिस करना। मिस्टर हर्ष डिपॉजिटेड कितना, 1 लाख रुपी इन एन FD एट 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर अ पीरियड ऑफ 18 महीना। कैलकुलेट बैलेंस इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ 18 मंथ्स, बैलेंस इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ 18 मंथ्स। अभी क्या आ गया सर, मंथ्स में मैंने डाला है, क्या क्या उसने डाला था जरा इंफॉर्मेशन वहां से मेरे को बताओ पब्लिक, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया आपको, इंफॉर्मेशन क्या मतलब, मैं क्या पूछ रहा हूँ, FV, PV, R और T, ये चार चीज पूछ रहा हूँ, बताओ मेरे को FV क्या है उसमें, FV दिया है क्या, नहीं तो क्या दिया आपको बताओ, PV कितना दिया हुआ है, PV कितना दिया हुआ मैडम,
1 लाख और आगे क्या दिया हुआ है, लाइन से देखो क्या आ रहा है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, और लाइन में लाइन में लाइन में फॉर अ पीरियड ऑफ, तो मैं टाइम लिखता हूं क्या, 18 मंथ्स, विच इज 18 बाय 12, विच इज 1.5 ईयर्स, मेरा टी ईयर्स में, इसके लिए मैं 18 नहीं लिखूंगा, समझा। ढूंढने क्या बोला है, एफ वी ढूंढने बोला है। पब्लिक इक्वेशन बताओ, इक्वेशन तो वही है, क्या है अपना इक्वेशन, कैलसी उठाने से पहले फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस r raised to t, फ्यूचर वैल्यू ढूंढने जा रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख है इंटू 1 प्लस r, 1 प्लस 0.12 raised to t 1.5। होल्ड ऑन, ये पार्ट ए। वॉट इफ पार्ट बी में बाकी सब चीज सेम बोलता, मैं बोलता टाइम इक्वल्स टू 15 मंथ्स, तो आप क्या करते 15 बाय 12, आप क्या करते 1.25, तो आपका फ्यूचर वैल्यू इक्वेशन क्या रहता, वही पीवी इंटू 1 प्लस r raised to t, चुपचाप लिख देने का हो तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, 1 लाख इंटू 1 प्लस 0.12 raised to 1.25। इक्वेशन डालते वक्त दिमाग साइड पे, जो दिया है वो डाल देने का, अब दिमाग लगाने का। हाँ, अब कैसे सॉल्व करोगे सर, raised to 1 by 5 कैसा का है, raised to 1 by 5 कैलसी में कर सकते हो क्या, नहीं कैसे कर सकते, तो raised to 2 रहता तो कैसे करते हैं, इंटू इक्वल टू मतलब सर क्या करते हैं, आप जरा ध्यान दो बोर्ड पे, ये सब नया नया चीज सीख रहे हो, ये सब ऐसा कुछ नहीं है जो पहले कराया, नया नया चीज शायद आता रहेगा तो कंफर्म करा रहा हूं। क्या करते सर आप, अगर रेस टू टू रहता तो 1 लाख इंटू 1.12 इंटू 1.12 करते ना, दो बार। सर अभी रेस टू टू रहता तो क्या दो बार, मतलब सर ये क्या रेस टू वन है, पब्लिक रेस टू क्या है, वन है ना, और सर दूसरी बार भी रहता तो रेस टू वन लिखते, अभी दूसरी बार पूरा साल नहीं है तो मैं 0.5 लिख सकता हूं। तो सिमिलरली इसका भी ऐसा कुछ जुगाड़ कर सकता हूं ना, क्या कर सकता हूं सर, 1 लाख इंटू 1.12 इंटू 1.12, पहला ये क्या आएगा सर, पहला वन और ये 0.25, समझा क्या पब्लिक एवरीवन, कर सकता हूं क्या मैं ये, ऐसा कुछ किया था बचपन में मैंने, हाँ किया था, a raised to n इंटू a raised to m इक्वल टू a raised to n plus m, याद आया क्या, क्यों किया था तभी नहीं पता था, इसके लिए किया था कि इस दिन जब पहुंचो तो हाइपरलिंक कर पाओ। एवरीवन वही तो फंडा यूज किया मैंने, तब क्या, तब बोला प्रोफेसर ने डाल दिया मैंने, किधर काम लगेगा ये मैथ्स, वो सब अभी पता चलेगा तुमको। लॉग क्यों किया, एंटी लॉग क्यों किया, वो मैं बताने वाला हूं, कैसे किया वो तो करने ही वाले हो तुम, वो तो बचपन में भी कर रहे थे, क्यू इज वॉट फाइनेंस विल गिव एन आंसर, समझा क्या पब्लिक एवरीवन। अब इसको कैलसी में कैसे करोगे, सुनना अभी अभी इंटरेस्टिंग चीज, इसको कैलसी में अगर आप डालने गए ऐसे, क्या पहले 1 लाख इंटू 1.12 raised to 1, फिर इंटू 1.12 करोगे और raised to 0.5 मतलब स्क्वायर रूट करोगे, तो गलत आएगा आंसर। तो शुरू कैसे करने का, इसको शुरू कैसे करूं मैं, कैलसी में क्या डालू, जरा देखो, डालो कैलसी में, अगर मैं राइट हैंड साइड से ऐसे शुरू करता तो मैं क्या करता, 1 लाख सुनो इंटू 1.12 करता तो 12% होता, इंटू वापस 1.12 करता और स्क्वायर रूट मारता तो 1.12 रहता, वो कैलसी गलत तरीके से पकड़ता है। सो इसलिए फिगर डालने का कैसे, सबसे पहले क्या डालोगे सर, 1.12 का स्क्वायर रूट मारो, किया इंटू 1.12 इंटू 1 लाख, आया क्या आंसर, कितना आया बताओ मेरे को, 1,18,530। सेम वे इधर 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 डालोगे, अभी अभी सर सुनना, मेमोरी क्लियर, 1.12 दो बार स्क्वायर रूट, फिर इंटू 1.12 इंटू 1 लाख, क्या आया 115,219। कैसे क्या, आपने राइट हैंड साइड से, ये 115,219 ना, पता चला उर्दू क्यों राइट हैंड साइड से लिखते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, पता चला क्या, अरेबिक क्यू राइट हैंड साइड से, अलजेब्रा किधर से आया, अलजेब्रा किधर से आया, कहां से आया, इजिप्ट अरब वर्ल्ड से, समझा क्या पब्लिक, पब्लिक क्या बोलता, अरे यार इधर से क्यों लिखते हो सर, कैलकुलेशन भी कभी इधर से करना पड़ता है, मजाक कर रहा हूं, बट एवरीवन देयर मे बी सम लॉजिक,
मैं तो ये सोचता हूँ अलजेब्रा उधर से आया है, लिखते भी राइट हैंड साइड से, कुछ हो सकता है। अंडरस्टूड, जाने दो ये सब, इतना दिमाग मत लगाओ। पब्लिक इसको करने का नया टेक्निक भी देखते हैं, नया टेक्निक, नया टेक्निक। ये कैल्सी में पब्लिक, ये पहले वाला इक्वेशन में कैसा नया टेक्निक से करने का बता रहा हूँ, जरा ध्यान दो। कैल्सी में डालो 1.12, किया स्क्वेयर रूट मारो, किया इनटू इक्वल टू करो, और एक बार इक्वल टू इनटू 1 लाख, आ गया आंसर। क्या क्या मैंने 1.12 का पहले स्क्वायर रूट मारा, 6 महीने का हो गया, 18 महीना है ना, तो 18 महीने में 6 महीना 3 बार, समझा क्या, 18 महीने में 6 महीना 3 बार। अब नीचे वाला वैसा कर सकते हो, 1.12 दो बार स्क्वायर रूट मारो, दो बार स्क्वायर रूट मारने पे ये क्वार्टरली हो गया, 15 महीने में कितना क्वार्टर है, कोई पॉस, तो 5 क्वार्टर, तो 5 बार करो इनटू इक्वल टू करो, और एक बार इक्वल टू कितना हुआ ये 3, और एक बार इक्वल टू 4, और एक बार इक्वल टू 5 इनटू 1 लाख। एवरीवन, मैं सिर्फ अलग 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 एंगल बता रहा हूं जिससे आप कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो 1 पॉइंट मतलब 0.25 नहीं आया तो किया ना, ट्रायल एंड एरर एंड इंटरपोलेशन, ये तो करना ही है, बट ये आप अवॉइड कर सकते हो बहुत सारी सिचुएशन में, हर बार करने की जरूरत नहीं है ट्रायल एंड एरर इंटरपोलेशन। तो आधी से ज्यादा टाइम उसका आंसर कैलकुलेटर में नहीं, इक्वेशन अच्छे से एनालाइज करने में। द मोर यू पुट योर टाइम इन फ्रेमिंग इक्वेशन, द लेसर विल बी द एफर्ट इन कैलकुलेटर, राइट। ये सब छोटा 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 टेक्निक आपको वहां पे हेल्प करेगा। ओके ओके ओके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैंने क्या बोला स्टार्ट में, इट्स द मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक बट द मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक। मैं एग्जैजरेट नहीं करूंगा अगर मैं बोलूंगा कि टाइम वैल्यू अगर अच्छे से नहीं आया, वो टाइम वैल्यू पे अगर आप न्यू कोर्स के स्टूडेंट हो तो टाइम वैल्यू पे आपका 40 से 50 मार्क डिपेंडेंट है, और ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट हो और कैपिटल बजटिंग में उसमें इनकलकेट कर लूँ तो 60 से 70 मार्क आपका उसके पे डिपेंडेंट है। मैं उसको आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, आई एम बींग सीरियस अबाउट इट। ऐसा है तो वहां पे जहां पे स्टूडेंट को छोटा छोटा तकलीफ होता है उसका हर एक चीज का मैंने यहां पे एग्जांपल क्रिएट किया हुआ है। ऐसा ओके, अब तक जो आप कर रहे थे वो था क्या था सर, कंपाउंडिंग 1 टाइम इन अयर, बट एक साल में एक बार से ज्यादा कंपाउंडिंग हो जाए तो क्या करने का, वो उसके लिए आप बोर्ड पे ध्यान दो। एवरीवन, बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे क्या लिखा मैंने ये इक्वेशन, 12% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअलाइज्ड फॉर 1 ईयर, 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअलाइज, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड मंथली। पहले चार को फोकस करो, सिर्फ पहले चार को, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ को फोकस करो, फिफ्थ और सिक्स्थ अपन बाद में कर पाएंगे, अगर फोर्थ से पहले चार कर पाए तो। एवरीवन, क्या आपने नोट किया मैंने यहाँ पे टी भी लिखा है और एन भी लिखा है। एवरीवन एवरीवन सर, उसके पहले आप मेरे को बताओ फ्यूचर वैल्यू का इक्वेशन, व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू का इक्वेशन। एवरीवन इन द क्लास, प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस R रेज टू T, व्हाट इज द टी, टाइम, टाइम इन ईयर्स, वेरी गुड, टाइम इन ईयर्स। पब्लिक मैं वो टी को बोलता हूं कितने साल तक, कितने साल तक हिंदी में, मतलब हाउ मेनी ईयर्स ऑफ कंपाउंडिंग। सो पब्लिक यहां पे अगर आप नोट करो तो 12% पर एनम कंपाउंडिंग फॉर 1 ईयर, मतलब कितने साल का कंपाउंडिंग है पब्लिक, 1 साल। ये सेकेंड वाला भी 1 ईयर, थर्ड वाला भी 1 ईयर, फोर्थ वाला भी 1 ईयर, फिफ्थ वाला 3 ईयर्स, ये 9 मंथ्स, मतलब 9 बाय 12.75, वो अपन बाद में करेंगे। बट टी क्या बोलता है, टी क्या बोलता है, कितने साल तक कंपाउंडिंग। तो मैंने एन क्या लिखा है, एन 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 भी एक कुछ तो बोलता है, एन बोलता है 1 साल में कितनी बार कंपाउंडिंग, सब लिखा है मैंने, डोंट वरी मैडम, मेहनत करना नहीं है, सब लिखा है मैंने, आप इधर सिर्फ डोकलावा दिमाग लगाओ। टी क्या बोलता है, टी 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 क्या क्या, कितने साल तक कंपाउंडिंग, एन
एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग? पब्लिक, एक साल में एन्युअलाइज मतलब कितनी बार कंपाउंडिंग होगा सर? एक बार ही होगा। सेमी एनुअल मतलब एक साल में कितना सेमी एनुअल? क्वार्टर, मंथली 12। अब ये क्यों करा रहा हूं? क्योंकि सर आप कंपाउंडिंग तो करोगे ही, अब उसमें एक मामूली सा चेंज करोगे पीछे से। क्या चेंज करोगे? डिवाइडेड बाय एन इंटू एन। व्हाट इज एन एवरीवन? एक साल में, अच्छे से बोलना, एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग? सो इससे क्या हो जाता है, जरा इक्वेशन देखो मैंने क्या लिखा है। ये 1 + r^t, सर पहले मैं t लिख दूंगा, कितने साल तक कंपाउंडिंग है? 1 ईयर तक कंपाउंडिंग है। ऐसा ही तुमने लिखने का, कंपाउंडिंग का इफेक्ट पीछे से ही डालने का। पीछे से मतलब सर कितनी बार कंपाउंडिंग? डिवाइडेड बाय 1 × 1। सेकेंड वाला कितनी बार कंपाउंडिंग? डिवाइडेड बाय 2 × 2 एफर्टलेसली। तीसरा वाला कितनी बार कंपाउंडिंग? डिवाइडेड बाय 4 × 4 डिवाइडेड बाय 12 × 12। अब जरा इक्वेशन को नोट करो, ये सर सेकंड वाला, सेकंड वाला ये क्या है? 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 1 ईयर। सर पूरे साल का 12%, 6 महीने का 6% ना, 6 महीने का 6% ना। ये देख रहे हो, 0.12 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 6%, 6% करके 6 महीने का हो गया। 1 ईयर में कितनी बार? 2 बार, तो रेस टू 2। रेस टू क्या आ रहा है? नेट 2 × 1 क्या आ रहा है? अब अगर उसको अप्लाई करने का है तो टेक्निक समझो, कैलकुलेशन टेक्निक नहीं, इक्वेशन टेक्निक। अब सर यहां पे टी कितना है? टी कितना है? ये फिफ्थ वाला जो मैं लिख रहा हूं ना, उसमें क्या आप बता सकते हो टी 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 मतलब कितने साल तक? क्या लिखूं मैं टी? 3 3 3 ईयर्स। फिफ्थ वाले में क्या लिखा मैंने? 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 3 ईयर्स। एन कितना? एन 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 कितना मेरा? क्या लिखा है मैंने? एक साल में कितनी बार दोस्त? एक साल में क्वार्टर 4 4 4 4, एक साल में 4 क्वार्टर। तो उससे क्या हो जाएगा दोस्त? उससे तू इक्वेशन लिखेगा पहले आग बंद करके, 1 + 0.12 कितने साल तक? रेस टू 3। अब पीछे से इफेक्ट देगा क्या? डिवाइडेड बाय 4 × 4। अब मैंने 12 टके के पहले 4 टुकड़े कर डाले, 3% हो गया, और 3% ऐसा क्वार्टरली हो गया दोस्त, क्वार्टरली हो गया 3%। अब 3 साल में कितने क्वार्टर बोला तूने? 12, तो रेस टू क्या हो रहा है? 3 × 4 = 12। एवरीवन, सो सर यहां पे जरा आप मेरे को बता सकते हो, 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली फॉर 9 मंथ्स, टी कितना? टी कितना? टी कितना? क्या मैं बोल सकता हूं टी इज 9/12? और एन कितना? एक साल में, अच्छे से सुनना, एन मतलब क्या? नंबर ऑफ ईयर्स कंपाउंडिंग इन वन, नंबर ऑफ एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग, नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इन 1 ईयर। इन 1 ईयर, इन 1 ईयर भूलो मत। 1 ईयर में कितना मंथ होता है? 12, तो 12 ही जो मैंने बोला वो फॉलो करो। सो सर मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा जरा देखो अच्छे से, अभी पब्लिक इक्वेशन क्या लिखूंगा? 1 + 0.12 रेस टू क्या करूंगा? 9/12, आग बंद करके फिर क्या? डिवाइडेड बाय 12 × 12 करो। अब उधर देखो 9/12 × 12 करके क्या हो रहा है? 9, और ये 12/12 करके 1 महीने का इंटरेस्ट, 1 महीने का इंटरेस्ट 9 महीने में 9 बार। समझा क्या? अब ये थर्ड और फोर्थ बाद में। सर इससे क्या हो जाएगा, जरा आप कैलसी में डालोगे 0.12 डिवाइडेड बाय 1 + 1 रेस टू 1, तो सर ये 0.1.12 ही आंसर आएगा फैक्टर में, तो ये तो 12% ही होगा। क्यों 12% होगा सर? एक साल में एक बार ही कंपाउंडिंग हो रहा है, लेकिन 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 एक साल में एक बार से ज्यादा कंपाउंडिंग होगा तो क्या होगा? सर डालो कैलसी में 0.12, ये वाला सेकेंड वाला इक्वेशन, डिवाइडेड बाय 2 + 1 स्क्वायर करोगे तो 1.1236 आएगा, विच इज 12.36% इफेक्टिवली, -1 × 100 करूंगा तो। सर ये क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कंपाउंडिंग करते जाऊंगा तो दोस्त ये आंसर बढ़ते जाएगा। तो सर नेक्स्ट वाला करोगे 0.12 / 4 + 1 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? 1.1255, विच इज 12.55% एवरीवन इन द क्लास।
और मंथली कंपाउंडिंग करोगे तो सुनो सुनो सुनो, मंथली कंपाउंडिंग करोगे तो कैल्सियम में डालो मैडम, उसके पहले दिमाग में डालो 1.12 1.12, 5.5 से मैडम फोर्थ वाले में आप डालोगे तो क्वार्टरली वाले से ज्यादा आएगा। अब डालो ये पहले दिमाग में डालो फिर कैल्सियम में डालो, तो आपका आंसर आएगा वहां पे 1.1268, विच इज 12.68%। क्या करना है, 0.12 डिवाइडेड बाय 12 करो प्लस 1 और उसको 12 बार कंपाउंडिंग करो, इंटू इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू क्यूब 4 5 6 7 8 9 10 11 12, समझा क्या? ऐसा मैं जितनी बार कंपाउंडिंग, वो नेक्स्ट वाला जाने दो, फिफ्थ और सिक्स्थ अपन बाद में करेंगे, ऐसा मैं जितनी बार कंपाउंडिंग करते जाऊंगा क्या होता जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिवली बढ़ जाता है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब दिया कितना था, 12%, लेकिन एक साल में एक बार से ज्यादा कंपाउंड हो जाता है तो वो जो इंटरेस्ट रेट आता है उसको अपन बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। एवरीवन, ये सब मैंने मेंशन किया हुआ, टेंशन मत लो, बट अभी जरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। क्या लिखा है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, आ जाओ सर एवरीवन, क्या लिखा है मैंने, वेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड फॉर मोर देन वंस इन अयर, एक साल में एक बार से ज्यादा, तो क्या होता है, द मनी हेल्ड एट प्रेजेंट एक्चुअली इंक्रीजेज एट अ हायर रेट टेकिंग इन टू द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग, दिस इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म्स इन टू अ रेट विच इज हायर देन द गिवन रेट। सर दिख रहा है क्या यहाँ पे, ये क्या हो जाता है, जो रेट दिया था उससे ज्यादा हो जाता है अगर एक साल में एक बार से ज्यादा कंपाउंडिंग हुआ तो। दिस इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म्स इंटू अ रेट हायर देन द गिवन रेट एंड दिस रेट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। पब्लिक, इसका इक्वेशन मैं कैसे लिखता हूं और आप भी कैसे लिखोगे जरा ध्यान दो। मैं क्या लिखता था, नॉर्मल इक्वेशन, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस r रेस टू t, वो तो छापी देने का, लेकिन फिर हो सके तो यहाँ पे मैं अलग कलर की पेन से लिखता हूँ, डिवाइडेड बाय n इंटू n। नाउ व्हाट इज t, t t t नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंपाउंडिंग, आप उसको साइड में हिंदी में लिख सकते हो क्या, कितने साल तक कंपाउंडिंग, क्या लिखोगे हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में लिख सकते हो उसको क्या, कितने साल तक कंपाउंडिंग। तो एन 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 अलग चीज है क्या, एन में मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इन 1 ईयर, मतलब 1 ईयर में, एक साल में, 1 ईयर जरूरी है दोस्तों, एक ईयर में कितनी बार कंपाउंडिंग। मैंने वहां पे नीचे लिखा रेफर फॉरेन एक्सचेंज एलसी सम्स, फॉरेन एक्सचेंज में जब अपन लेटर ऑफ क्रेडिट के सम करेंगे तब ये पूरा वापस से करना पड़ेगा, रिवाइज। तो अब पब्लिक आप मेरे को मदद करोगे इक्वेशन बनाने में, जरा ध्यान दो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, मैं लिख रहा हूं 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 2 ईयर्स, और दूसरा लिख रहा हूं 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली फॉर 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 8 मंथ्स, समझा क्या? आप इसको इक्वेशन में पहले लिखने से पहले अपने रेफरेंस के लिए क्या करोगे, टी और एन को सेग्रीगेट कर लो, कितने साल तक है सर ये, 2 ईयर्स, ये 8 बाय 12, ज्यादा लोड ही नहीं लेने का, 8 बाय 12 करने का नहीं, 8 बाय 12 ही रखो। कितनी बार कंपाउंडिंग, क्वार्टरली है मतलब एक साल में, 4 मंथली है मतलब एक साल में। फिर मेरे लिखने का तरीका देखना तो जिंदगी में कभी गलती नहीं होगा, ये मेरा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट था, मेरे 3 वीकेस्ट सब्जेक्ट थे, फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स टाइम वैल्यू, फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स टाइम वैल्यू, ये दोनों मेन सब्जेक्ट, उसमें अगर आप फॉरेन एक्सचेंज और डेरिवेटिव्स को अलग करो तो फॉरेक्स मेरा वीकेस्ट था, डेरिवेटिव्स मेरा वीकेस्ट था और टाइम वैल्यू मेरा सबसे वीकेस्ट था। तो मैंने अपने 10 12 साल में जो मेरे को तकलीफ हुआ उससे मैंने ऐसा मेथड बनाया है कि कैसा भी इक्वेशन आने दो मेरा गलती नहीं होगा,
सो मैं कैसे लिखता हूँ जरा ध्यान दो, मैं सबसे पहले हमेशा लिख देता हूँ 1 + r^t, मतलब क्या लिखूंगा 1 + 0.12^2, 1 + 0.12^8/12 आग बन करके लिख देता हूं। फिर पीछे से डालता हूं कंपाउंडिंग का इफेक्ट, तो मैं कंपाउंडिंग आग बन करके क्या डिवाइडेड बाय 4 × 4 डिवाइडेड बाय 12 × 12। अब चाहिए तो क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक क्या करोगा सर, 12 टके के 4 टुकड़े का डाले मतलब क्वार्टरली हो गया 3 टका। ये सर 2 साल में कितना क्वार्टर, 2 साल में 8, तो सर कंपाउंडिंग क्या हो रहा है, देखो r^8 हो रहा है, समझा क्या। इधर इधर सर 12 टके को मंथली कर डाला, 1 टका हो गया, 8 महीने में कितना मंथ, 8 महीने में 8 ना, तो r^2 क्या हो रहा है, देखो 12 12 कैंसिल होकर 8 ही बचेगा। इट्स सो सिंपल, बट डू नॉट मिक्स अप r and t, मतलब t and n, पहले चुपचाप 1 + r^t कर डालो। एवरीवन राइट। अब कुछ और इंटरेस्टिंग चीज बताओ क्या, बताओ क्या, ये अभी नहीं काम लगेगा, डेरिवेटिव्स में काम लगेगा। जैसे आपने अभी पब्लिक पिछले वाले सम में क्या किया, पिछले वाले सम में 12 टका पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 1 ईयर, फिर मैंने सेम चीज कराया 12 टका पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 1 ईयर, ऐसा किया ना आपने, 12 टका पर एनम कंपाउंडेड, फिर एनम के बाद मैंने आपको सेमी एनुअली कराया, फिर आपको क्वार्टरली कराया, फिर 12 टका पर एनम मंथली कराया कंपाउंडेड मंथली फॉर वन ईयर। तो आपने क्विकली इक्वेशन में क्या लिखा, आपने इक्वेशन में लिखा 1 + 0.12^2, सब में 1 तो लिखा ही था, 1 + 0.12^1, 1 + 0.12^1, 1 + 0.12^1, ऐसा तो लिखा ही था, लेकिन फिर कंपाउंडिंग इफेक्ट दिया, सर 1 साल में 1 बार तो डिवाइडेड बाय 1 × 1, ये 2 बार, ये 4 बार और ये 12 बार, ऐसा किया था ना आपने। ऐसा करने पे आप कंपाउंडिंग बढ़ाते गए तो आपका आंसर 12 टक्के से ज्यादा, मतलब ये 1.12 ही रहेगा, लेकिन ये 1.1236, ये 1.1255 आया था और ये 1.1268 आया था। सर मंथली के बाद अगर मैं लिखूं 12% पर एनम कंपाउंडेड डेली फॉर 1 ईयर, तो टी कितना 1, लेकिन एन कितना, टी कितना 1, एवरीवन एन कितना 365। अब उसका आंसर डेफिनेटली मैं निकालने तो नहीं बोलूंगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा बराबर है ना, लेकिन सर इतना तो दिमाग स्टूडेंट लगा ही सकता है कि इसका आंसर 1.1268 से ज्यादा, बस इतना चाहिए मेरे को। तो सर डेली से मैं डेली से और नीचे जा सकता हूं, आर्ली जा सकता हूं, अर्ली से और नीचे जा सकता हूं मैं, सेकेंड माइक्रो सेकेंड जा सकता हूं, ऐसा ऑफकोर्स जा सकते हो। वॉट इज द मैक्सिमम कंपाउंडिंग, मैक्सिमम कंपाउंडिंग वो होगा सर जहां पे टाइम भले 1 ईयर हो लेकिन एन इंफिनिटी, ऐसे टाइम पे मैंने क्या लिखता हूं 12% पर एनम फॉर 1 ईयर तो लिखूंगा, लेकिन कंपाउंडिंग फॉर एवर, उसको बोलते कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको लिखते अपन e^RT, which is e^0.12 फॉर 1 ईयर। सर ये अपने कैलसी में पॉसिबल है क्या, नहीं, लेकिन इधर बैठे हुए हर एक को पता है क्या कि इसका आंसर अभी 1.12 से ज्यादा। सर आपके फोन है, फोन ओपन करो, फोन निकालो, जल्दी से फोन निकालो, आपके फोन में कैलकुलेटर ओपन करो, उधर e^x दिखेगा, उधर e^x दिखेगा, है क्या, सबके फोन में होना ही चाहिए, MI हो या एप्पल हो, नहीं है तो जान दो, फोन फेंक दो, रिप्लेस कर दो, वो एप्पल में बाकी सब में भी आना चाहिए, प्रोवाइडेड फोन ओरिजिनल हो। आया क्या, क्या e^x है क्या, जो है वो देखो, नहीं हो जाने दो, सबके फोन में बाय द वे जहां तक मुझे पता है, इंडिया से बनाओ या चाइना से बनाओ, फोन में है ही, आप ढूंढे नहीं रहोगे आज तक। मिला क्या पब्लिक, चलो ना मिल जाएगा, जिनको मिला सुनो, जिनको मिला जाने दो, डोंट वेस्ट योर टाइम देयर, आपको निकालना नहीं है एग्जाम में, लेकिन मैं आपको सिर्फ थोड़ा बता रहा हूं, अगर आप लॉजिकली देखो तो
वो ई रेस टू एक्स है दोस्त। अभी ना सबके फोन में अलग अलग वे ऑफ प्रेसिंग होता है, मतलब आप किसी के फोन में 1. मतलब 0.12 के बाद वो प्रेस करने का, किसी के फोन में वो प्रेस करने के बाद 0.12 करने का। तो आप अपने फोन में टैक्टिकली देखो तो वो ई रेस टू एक्स प्रेस करो और 0.12 करो, या 0.12 करके ई रेस टू एक्स करो, आपको आंसर आ जाएगा 1.12 से ज्यादा। कितना आ रहा है 1.12? 7.4 या 7.5, वो इससे भी ज्यादा दिख रहा है एवरीवन। सो अब मेरी बात अच्छे से सुनना, ये अभी ने अपने को डेरिवेटिव्स में करने का अभी नहीं करने का है, लेकिन सुनना 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 पब्लिक, इंस्टीट्यूट आपको रेडीमेड दे देगा, बट अपने स्टूडेंट को अभी 2 डेसिमल तक तो आंसर आता है। मतलब अगर मैं बोलता हूँ ई रेस टू 0.025, मतलब 2.5%, 0.12 मतलब 2.5%, इसका आंसर फैक्टर में आता है, मतलब 1.025 से ज्यादा होगा। जैसे 12% का क्या किया, 1.12 से ज्यादा ना, बाद में करना, पहले देख लो इधर। तो अगर मैं आपको बोलूं ई रेस टू 0.05 मतलब 5%, इसका आंसर 5% से तो इफेक्टिवली ज्यादा ही रहेगा ना, 1.05 से ज्यादा रहेगा। तो क्या आप मुझे अभी बता सकते हो ई रेस टू 0.1 का आंसर, 0.1 मतलब 10% का आंसर 1. फैक्टर में आता है 1.10 से ज्यादा। देखो अभी अपने फोन में देखो, 0.025 का आंसर 1.025 से ज्यादा, 253 मिला क्या ऐसा। वैसे 5 का देखो 1.05 से ज्यादा। मैडम मत करना, आपको ये सब रेडीमेड दे देंगे, आपको नहीं करने का है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं उसके पीछे का लॉजिक क्या, उसका टेंशन मत लो। आपका इंस्टीट्यूट को पता है कि ये कैल्सियम में पॉसिबल नहीं है, बट मैं चाहता हूं स्टूडेंट प्रेडिक्ट करे, 2 डेसिमल तक तो पता होना चाहिए उसका मतलब क्या। इसका आंसर क्या क्या मिला आपको, 1.05 12, ये 0.1 का निकालो 1.1052। इसका मतलब क्या पता है क्या सर, क्विकली देखो इधर 1.0253 का मतलब क्या पता है, इफेक्टिवली क्या होता है पता है, वो 2.53%, 5.12%, 10.52%, ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं इसको। समझा क्या एवरीवन। अब ये करते क्यों है वो मैं क्विकली बता देता हूं, आई रिपीट दिस एंटायर स्टफ इज गोना कम बैक इन डेरिवेटिव्स, दिस एंटायर स्टफ इफेक्टिव वाला, बट ये करते क्यों है सर, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हो, सुनना मेरी बात, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हो, तो ये भाई बोलेगा मेरा 12% है, ये मैडम बोलेगी हाँ सर मेरा भी 12% है बट कंपाउंडिंग, वो बोलेगी सर मेरा भी 12% है कंपाउंडिंग बट सेमी एनुअल, तो सबका वैल्यू अलग आएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या, एक्सपोनेंशियल। मैक्सिमम वैल्यू क्या, एक्सपोनेंशियल। समझा, और बताओ कुछ हिंट, बताओ क्या, बताओ बताओ बताओ, चलो बताने का कोशिश कर रहा हूं, टेंशन में मत आना, ये सब रेडीमेड देता है इंस्टीट्यूट, सिर्फ हिंट दे रहा हूं। हाँ जरा मेरे को 5-6 डेसिमल तक बताना, ई रेस टू 0.025 का आंसर 1.025 क्या है आगे, हाँ 1.025 315 12 बराबर। अब जो तुम्हारे कैल्सी में देखो, जिनको ई रेस टू एक्स मेरा एल एन दिख रहा है, एल एन कैल्सी में एक फंक्शन रहेगा, एल एन मिला क्या। अब जो मैं बोल रहा हूं वो करो, वो एल एन को प्रेस करके करो 1.025 3152, आपको आंसर आएगा 0.025। व्हाट इज एल एन, लॉग नेचुरल। सो व्हाट इज ई रेस टू एक्स, एंटी लॉग। इफ दिस इज लॉग मैडम, तो उल्टा किया तो वो एंटी लॉग, मतलब एक्सपोनेंशियल क्या करता है पता है चला कुछ, मैं हिंट दे रहा हूं सिर्फ, एक्सपोनेंशियल क्या करता है, वैल्यू को लेके जाता है फ्यूचर में फॉर एवर कंपाउंडिंग करके। तो लॉग क्या करता है, वैल्यू को डिस्काउंट करके लेके आता है प्रेजेंट में फॉर एवर। लॉग क्यों करते थे पता है आप, जब जब आपने लॉक किया रहता था ना, वो डिस्काउंटिंग करने के लिए लॉक करते हैं। कितनी बार डिस्काउंटिंग, फॉर एवर कंपाउंडिंग वाला, मतलब फॉर एवर कंपाउंडिंग करो तो एक्सपोनेंशियल, फॉर एवर डिस्काउंटिंग करो तो लॉग। और वो लॉग का ही उल्टा एंटी लॉग, जो अपन एंटी लॉग बोलते हैं ना, एंटी लॉग
वो एंटी लॉग इज एक्सपोनेंशियल, समझा क्या? तो लॉग क्यों यूज करते हैं? प्रेजेंट में लाने के लिए. एंटी लॉग या एक्सपोनेंशियल क्यों यूज करते हैं? फ्यूचर में लेके जाने के लिए. ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, इसका आपको कोई लेना देना नहीं एग्जाम में. हाँ, कभी कभार इंस्टीट्यूट ऐसे सब में डाल दे, तो वो पहले जमाना था लॉग से एंटी लॉग निकालो. क्यों निकालो? क्यों निकालो? प्रेजेंट में और फ्यूचर में लेके जाने के लिए. अंडरस्टूड एवरीवन? ऐसा सब है ये. आई रिपीट एवरीथिंग इन डेरिवेटिव्स. आपको क्या करने का है सर? आपको ये सब के बेसिस पे सिर्फ टाइम वैल्यू का इक्वेशन बना के बिठा देने का है. तो सर यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, मेरे एक स्टूडेंट का ही, जो स्टूडेंट क्लास में बोलते हैं ना कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया या मैंने क्रेडिट कार्ड लिया, मैंने बैंक में एफडी किया, उसका क्या होता है? तो अब जस्ट सब नाम दिख रहे हैं ना आपको, ये सब मेरे स्टूडेंट लोग के ही नाम है बैच में, तो उनका ये एग्जाम्पल बना है. तो ये एक स्टूडेंट ने क्या किया था, क्रेडिट कार्ड लिया था 2 साल पहले और उसे इमीजिएट डिफॉल्ट कर दिया था. उसका आउटस्टैंडिंग कितना था? 1 लाख रुपया. बैंक ने उसको चार्ज किया 3.5% इंटरेस्ट पर मंथ, कंपाउंडेड मंथली, पर मंथ कंपाउंडेड मंथली. तो सर मेरा लायबिलिटी कितना होना चाहिए, ऐसे उस स्टूडेंट ने बताया मेरे को. आप जब भी कुछ भी बोलो, मैं बहुत वीक हूं अंडरस्टैंड करने में, तो मैं क्या करता हूं, इंफॉर्मेशन प्लॉट कर देता हूं. मैं दिमाग कम लगाता हूं, गदा मजूरी कम. तो मैं क्या करूंगा, अभी उसने मेरे को जो बोला, क्या क्या बोला आप बता सकते हो उसमें? मिस्टर आदित्य टू का क्रेडिट कार्ड 2 ईयर्स अगो. सर 2 ईयर्स अगो मतलब मैं टाइम क्या लिखूंगा? टी, 2 ईयर्स पब्लिक एंड डिफॉल्टेड इमीजिएटली. इज आउटस्टैंडिंग वॉज तभी कितना? 1 लाख एट दैट टाइम. तो सर पीवी कितना? 1 लाख. और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला है उसको? 3.5% पर मंथ. मंथ मतलब कंपाउंडिंग कितना है सर? एन कितना? एन 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 एन. अगर टी 2 साल है, मंथली मतलब 12, कंपाउंडेड मंथली बोला है. पर एनम पर मंथ कंपाउंडेड मंथली बोला है मतलब 12. आपको ढूंढना है फ्यूचर वैल्यू ना, कि उसको आज कितना भरना पड़े. सर इक्वेश सब इंफॉर्मेशन लिख दिया ना, फिर स्टोरी गया खड्डे में. तो अभी क्या, वापस से वो इक्वेशन क्या लिखूंगा? एफ इक्वल्स टू पी वी इंटू 1 प्लस R raised to T. लेकिन अगर उसमें कंपाउंडिंग रहेगा तो आग बंद करके डिवाइडेड बाय एन इंटू एन, लोड कम लेने का. सो अभी मैं इक्वेशन में क्या करूंगा, सिर्फ डाल दूंगा जो जो चीज दिया है. प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख इंटू 1 प्लस R, 1 प्लस 0.035 raised to T. टी कितना है सर? 2 साल. डिवाइडेड बाय एन 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 एन. क्यों करते थे उसको? मंथली करने के लिए. लेकिन ऑलरेडी मंथली दिया तो काय को, ऑलरेडी मंथली है तो काय को करूं, समझा क्या? अलर्ट भी रहने का. अभी आपको समझा डिवाइडेड बाय एन क्यों करता हूं उधर, उसको मंथली या क्वार्टरली बनाने के लिए. वो ऑलरेडी मंथली है तो क्यों करूं? लेकिन रेस टू एन करना पड़ेगा. रेस टू कितना? रेस टू एन कितना? एन एन 12. तो सर 2 साल में 24 महीना, इसीलिए 24 बार कंपाउंडिंग. समझा क्या एवरीवन? अगर 3.5 नहीं देता, 3.5 तो 3.5 × 12 क्या होता है? 3.5 × 12 जरा करो पब्लिक, 42. तो मैं यहाँ पे 42% दे देता पर एनम. तो आप 42 / ये करते तो 3.5 ही आता एवरीवन, राइट? बाकी का तो आप इक्वेशन से आंसर निकाल सकते हो, दैट इज ऑल ओके. बट इक्वेशन बिठाने आना चाहिए एवरीवन. ओके चलो, अब है ना यहाँ पे बैठे बैठे आप मेरे लिए एक इक्वेशन बनाओगे. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल मैं देने वाला हूँ इन द फॉर्म ऑफ टाइमलाइन. सुनना अच्छे से, ये बंदे ने इन्वेस्ट किया था कुछ तो अमाउंट इन्वेस्ट किया था, और उसके बेसिस पे उसको मैच्योरिटी पे, उसको मैच्योरिटी पे मिलने वाला है 25,000, राइट? मैच्योरिटी कब है उसका मैं वो बता देता हूँ. 0, 1, 2, 3, 4 और 5वें साल के एंड पे उसको 25,000 मिलने वाला है, राइट? ओके, 5वें साल के एंड पे उसको 25,000 मिलने वाला है. आप मुझे बताओगे अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं बोलता हूं यहां पे 15% है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना? प्रेजेंट वैल्यू कितना? इक्वेशन क्या लिखोगे? कोई कैलकुलेटर नहीं चलाना, इक्वेशन क्या लिखोगे मैडम बताओ मेरे को? प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं ना, मतलब मैं क्या करूंगा,
फ्यूचर में पढ़े को किधर लेके आ रहा हूँ सर? मैं फ्यूचर में पढ़े इसको जीरो तेर पे लेके आ रहा हूँ। सो मैं क्या लिखूंगा? मैं इधर लिखूंगा इक्वेशन में, कैसे लिखता मैं 25,000, मतलब मैं इसको अच्छे से लिखूं तो मैं लिखता फ्यूचर वैल्यू इंटू 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 वन अपॉन वन प्लस आर एस टू टी, ऐसा करता ना। सो बेसिकली मैं क्या करता, मैं लिखता 25,000 इंटू वन अपॉन 1.15 रेस टू कितना साल सर? 5 साल। सर ये जो फैक्टर था 1 अपॉन 1 प्लस आर रेस टू डी, ये क्या करता है? फ्यूचर में पड़े 1 रुपए को पीछे लेता है। तो इससे बदले आज के बाद मैं इसको ये तरीके से लिखना बंद करके नया तरीका लूंगा। क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 15% फॉर 5 साल। अंडरस्टूड? सो अब मैं क्या करूंगा सर, कैल्सियम में 25,000 इंटू फैक्टर बताओ सर 15%, 1.15 डिवाइड इक्वल टू एक बार इंटू इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 4 डेसिमल में फैक्टर बताना दोस्त, डिस्काउंट करने का है, 1 से आंसर कम आना चाहिए तेरा, 0.4972 तुम अलर्ट रहने का, डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 से कम आना चाहिए, 0.4972। अब स्टूडेंट गलती क्या करता है वो मैं बता रहा हूं, इंटू 25,000 मत करना, ऑन बटन प्रेस कर दो, अब करो 25,000 इंटू देर, हाँ कितना 12430। ये क्यों करवाया पता है मैंने? ताकि आप जो लिख रहे हो वो दिखे। अब आप कैल्सी में रखे हो पूरा फिगर, इंटू में 25,000 करवाया, 25 मिलियन कराऊंगा फॉरेक्स में, तो आपका और वो पेपर चेकर का आंसर में डिफरेंस आएगा। तो पेपर चेकर को जो दिखे वही कैलकुलेशन में होना चाहिए, वो आपके साथ थोड़ी ना कैलकुलेशन करने वाला है, वो तो देखिएगा अरे इसका इसका मल्टीप्लीकेशन का आंसर अलग आ रहा है, वो आपका आंसर सही हो इसके लिए 4 डेसिमल पे कट ऑफ करके वो आलसी पना नहीं करने का, ऑन बटन प्रेस करके वापस करने का, समझाइए, छोटा छोटा चीज सीखते रहो। अब अगर मैं पब्लिक इसी इक्वेशन में बोलू, जरा ध्यान देना आपका टेस्ट खत्म नहीं हुआ अभी तक, अब ये कितना है सर प्रेजेंट वैल्यू 12,430, अब इसको 2 साल के बाद क्या होगा इसका वैल्यू, तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, तो आप इक्वेशन क्या बनाओगे जरा बता सकते हो मेरे को पब्लिक, तो आप इक्वेशन क्या बनाओगे? क्या बोला मैंने आपको, ये वाला 2 साल आगे लेके जा रहे हो, मतलब फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हो, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे सर? आप लिखोगे इधर फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेस टू टी, मतलब लिखोगे 25,000, सॉरी कितना 12,000 है ना, 12,430 इंटू 1.15 रेस टू 2, ये करते थे। अभी से अपन क्या करेंगे सर, अभी से अपन लिखेंगे 12,430 इंटू FVIF 15% फॉर 2 साल, ऐसा भी अपन लिखने को तैयार रहेंगे जब अपने को जरूरत पड़े तब। तो सर 4 डेसिमल में फैक्टर बताओ मेरे को, 12,430 इंटू 4 डेसिमल में, आपका आंसर 1 से तो ज्यादा होना चाहिए, 3225, ऑन बटन प्रेस करके करना, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना सर, 16,430, राउंड फिगर आएगा ना दोस्त, तुम्हारा आंसर क्या आएगा 1.3225 इंटू 12,430 किया क्या तू, कितना पब्लिक बोलो, 439। चलो पब्लिक इसको एक और तरीके से कर सकता था, कोई बताएगा मेरे को, कोई बताएगा मेरे को क्या, 25,000 को 3 साल पीछे लाता, 25,000 को 3 साल पीछे लाता ना, तो सर 25,000 को 3 साल पीछे लाता मतलब मैं क्या करता, 25,000 अभी मैं डायरेक्ट कर सकता हूं इंटू PVIF पीछे ला रहा हूं 15% फॉर 3 साल, तो जरा मेरे को बताओ 25,000 इंटू क्या करोगे, 0.6575 इंटू 25,000 करोगे तो आंसर वही आना चाहिए, जो भी डिफरेंस रहेगा वो राउंडिंग ऑफ करेगा और कुछ नहीं, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस और कुछ नहीं। ऐसे आप टाइम वैल्यू में खेल सकते हो, PVIF FVIF, PVIF FVIF, ये सब तो हलवा है, आपको जो बॉन्ड्स में करना है अब मैं वो कराने जा रहा हूं। अब तक आपने जो सम देखी उसमें क्या सिनेरियो था, कोई भी सिंगल सिंगल कैश फ्लोस थे, जब सर सेम कैश फ्लो आए बार बार
आने वाले 15 मिनट ध्यान देना, उसके बाद अपन बॉन्ड शुरू करेंगे। मतलब जरा यहाँ पे बोर्ड पे एवरीवन, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, पहला व्हाट इज द पीवी ऑफ ₹10,000 रिसीवेबल एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। क्या फर्क हो गया? एवरी ईयर मतलब एवरी ईयर आएगा, एवरी ईयर मतलब इक्वेशन क्या बनेगा? मैं क्या ढूंढ रहा हूं? पीवी, पब्लिक पीवी ढूंढ रहा हूं ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट समझो, मैं वही बोल देता हूं 12 साल। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे ढूंढूंगा? देखना सर, पहला 10,000 प्लस दूसरा प्लस तीसरा, आने वाले मेरे को कितने वाले आने वाले वाले ऐसे पांच, चौथा और पांचवा, ये कब आने वाला है सर? ये सब कब आने वाला है, कोई बता सकता है मेरे को? आने वाले फ्यूचर में। तो मैं इसका अगर टाइमलाइन बनाओ पब्लिक, तो फर्स्ट पहला वाला कभी आ रहा है यहाँ पे सर? आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर और 5th ईयर। ये सबको मैं किधर लेके खड़ा करने वाला हूँ? जीरो पे लेके आने वाला हूँ, ये सब जितने भी है। तो सर पहले वाले को कितने टाइम से डिस्काउंट करूंगा मैं? कितने टाइम से डिस्काउंट करूंगा? 1 साल से 1.12:1, 2, 3, 4, 5। इससे एक चीज मैं निकाल सकता हूं कॉमन, क्या? 10,000। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.12 रेज टू 1, 2, 3, 4 और 5, sorry, रेज टू 5। ये 10,000 को, अब ये 10,000 हर बार रिपीट हो रहा है, ऐसा होता है रियल लाइफ में? ऑफ कोर्स होता है। कब होता है? जब आप करते हो SIP, जब आप करते हो रिकरिंग डिपॉजिट, जब आप भरते हो लोन EMI, जब आप भरते हो इंश्योरेंस प्रीमियम। तो सर जब जब सेम अमाउंट आए, अ सीरीज ऑफ इक्विवेलेंट कैश फ्लो, उसको अपन प्यार से बोलते हैं एन्यूटी। क्या बोलते हैं उसको अपन? एन्यूटी। सो व्हाट इज एन्यूटी? इट इज अ सीरीज ऑफ सर्टन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैश फ्लो ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। समझा क्या? आपने इक्वेशन बनाई है, दिख रहा है क्या पब्लिक? अभी इसका करने का क्या, इसको सॉल्व कैसे करने का? सर ये जो पहला वाला 12% फॉर 1 ईयर है, उसको आप क्या लिखते थे? PVIF 12% फॉर 1 ईयर, बराबर। दूसरे वाले को क्या लिखते हैं? 12% फॉर 2, 12% फॉर 3। इसके बदले अब मैं लिखूंगा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्यूटी, 12% फॉर कितने साल तक का एन्यूटी है? 5। एवरीवन, कैलकुलेट नहीं करना है, आप क्या करोगे 10,000 इंटू कुछ सो कैलकुलेशन करके आंसर आएगा। लेकिन क्या आपने नोटिस किया इसमें आपने बाय डिफॉल्ट कुछ कर डाला? मेरे बताए बगैर आपने कुछ बाय डिफॉल्ट कर डाला पब्लिक? क्या कर डाला आपने? क्या सर? मैंने तो बताया ने, फिर भी आपने बाय डिफॉल्ट कर डाला। क्या बाय डिफॉल्ट किया आपने? कोई नोटिस करेगा? आपने बाय डिफॉल्ट अज्यूम किया एट द एंड ऑफ द ईयर। मैंने तो बोला नहीं, मैंने बोला क्या? बाय डिफॉल्ट आपने एंड ऑफ द ईयर अज्यूम कर डाला सर। सर जब बाय डिफॉल्ट आप एंड ऑफ द ईयर अज्यूम कर रहे हो, अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर रहता ये पूरा सिस्टम, तो अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर पूरा सिस्टम रहता तो क्या हो जाता? जरा ध्यान दो। तो मैं सेम चीज करता जैसे यहां पे एंड ऑफ द ईयर बाय डिफॉल्ट करता। आप भी SFM में इफ नथिंग गिवन एवरीथिंग इज अज्यूम्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन अगर पूरे इक्वेशन में मैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर करता तो जरा इक्वेशन ध्यान दो क्या हो जाता सर? मेरा इक्वेशन पहला टेन थाउजेंड कब आता मेरे को सर? पहला 10,000 अगर मैं टाइमलाइन, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो जिंदगी में पहले टाइमलाइन बना देने का, तो मैं टाइमलाइन बना दूंगा। तो सर पहला 10,000 मैं लिखूंगा, फर्स्ट 10,000 मेरे को आने वाला है इमीजिएटली, 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिख रहा हूं, पहला 10,000 इमीजिएटली। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा जरा बता सकते हो पब्लिक? प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू मैं 10,000
प्लस 10,000 एवरीवन, पांचों पांच पहले मैं लिख दूंगा, जैसे आप इक्विटी में करते थे पब्लिक और फिर उसको डिस्काउंट करते थे पब्लिक सर। लेकिन ये पहला वाला कब आएगा? इमीडिएटली, उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर वन। दूसरा वाला एक साल बाद, तो 1.12:1 स्क्वायर क्यूब एवरीवन 4। अब अगर मैं इसको कट शॉर्ट करूं तो 10,000 कॉमन, लेकिन अभी ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1.12:1 स्क्वायर क्यूब एंड 4। नाउ व्हाट डज दिस बिकम? दिस बिकम्स प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 10,000 इनटू, कैन आई नाउ राइट 1 प्लस, ये चारों के बदले मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा PVIF, लेकिन क्या एन्यूटी कितने साल के लिए पब्लिक? कितने साल के लिए? 12% फॉर 4 साल। ऐसा करके मुझे इक्वेशन करके आंसर आने वाला है। फर्क समझा क्या पब्लिक, बिगिनिंग और एंड का? ये सबको आप जब प्रेजेंट वैल्यू में ला रहे थे तो 10 तो इधर ही पड़ा था, बाकी सबको ही सिर्फ पीछे लाना है। कुछ नहीं दिया मतलब बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग एंड ऑफ द ईयर एवरीवन, राइट? कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज एंड ऑफ द ईयर। समझ में आ रहा है क्या पब्लिक? अब बिफोर यू कैलकुलेट, आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर आपने पैसा डाला है किधर, मतलब आप फिर आपको ये पार्ट में रिसीव हो रहा है, पीछे आ रहा है, रिसीव हो रहा है। इफ गिवन अ चॉइस टू यू, आपको लेट रिसीव होगा तो ज्यादा वैल्यू उसका है, या जल्दी रिसीव होगा उसका ज्यादा वैल्यू है? आपको मैं अगर 10,000 आपको मिलने वाला है, इमीडिएट मिलेगा तो ज्यादा आपके लिए अच्छा है, या एक साल के बाद मतलब एंड ऑफ द ईयर मिलेगा तो अच्छा है? एंड ऑफ द ईयर दोस्त, तेरे को अगर मैं सैलरी दू, दो चॉइस दू, सैलरी मंथ के स्टार्ट में दे दूंगा या मंथ के एंड में, क्या प्रेफर करेगा? स्टार्ट ना, तो उसका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए बिगिनिंग वाले का। बिगिनिंग वाले का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। एवरीवन, इक्वेशन देखा तुमने क्या किया पब्लिक? अब इसको सॉल्व करने के लिए जो मैं अप्लाई करने वाला हूं वो मैं बताऊंगा, बट ओनली एंड ओनली आफ्टर यू पुट अप द इक्वेशन। आप इक्वेशन लिख के करोगे, क्या इक्वेशन लिख के करोगे पब्लिक? बुक पेन ओपन करो, मेरे को सिर्फ चाहिए कि आप इक्वेशन बनाओ। अब सर, आप जब जाते हो एग्जाम में, सुनो मेरी बात, आप जब एग्जाम में जाते हो तो आपको ये दोनों स्टेप नहीं करने का, आपको डायरेक्टली ये करने का है। समझ रहे हो क्या? ये मैं आपके सिर्फ रेफरेंस के लिए बताया, आपको एग्जाम में सीधा ये इक्वेशन पुटअप करने का है। लेकिन कब 1 प्लस PVIF आ रहा है और कब डायरेक्ट PVIF आ रहा है वो डिपेंड करता है बिगिनिंग है या एंड है। तो जरा मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं वो लिखो आपके बुक में, नोटबुक में। एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, कैलकुलेट पीवी ऑफ रुपीज 10,000, कैलकुलेट पीवी ऑफ रुपीज 10,000 रिसीव्ड एवरी ईयर। एवरी ईयर को हाईलाइट करना, एवरी ईयर से पता चलता है वो एन्यूटी है, सिंगल रहता तो PVIF रहता। एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ये पार्ट ए है। क्या मैंने इसमें बोला बिगिनिंग या एंड? तो बाय डिफॉल्ट क्या है? एंड। कैलसी दूर रखना, मेरे को कैलसी में से कोई कैलकुलेट नहीं करेगा, सिर्फ इक्वेशन बनाने का है, सिर्फ इक्वेशन। पार्ट मतलब क्या करो पब्लिक, 4-5 लाइन छोड़ दो और पार्ट बी लिखो। पार्ट बी में क्या लिखोगे? अज्यूम इट वॉज बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अज्यूम इट वॉज बिगिनिंग ऑफ द ईयर। समझा क्या? अब सर, सामने वाले पेज पे दूसरा एग्जांपल लिखो, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 10,000 इन्वेस्टेड एवरी ईयर। फ्यूचर वैल्यू FV ऑफ 10,000 इन्वेस्टेड एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। उसमें आगे लिखो कैलकुलेट FV एट द एंड ऑफ 5th ईयर, कैलकुलेट FV फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर। आप सब किधर ढूंढ रहे हो? एंड ऑफ 5th ईयर में ढूंढ रहे हो। समझा क्या पब्लिक? पब्लिक क्या मैंने बोला बिगिनिंग या एंड? तो बाय डिफॉल्ट आप क्या करोगे उसको अज्यूम क्या करोगे? एंड ऑफ द ईयर। तो पार्ट बी में क्या लिखोगे? अज्यूम द इन्वेस्टमेंट वॉज डन इमीडिएटली,
अज्यूम द इन्वेस्टमेंट वॉज डन इमीजिएटली, मतलब क्या हो गया ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो गया, अज्यूम द इन्वेस्टमेंट वॉज डन इमीजिएटली, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखो 12%, सब में आर इक्वल टू 12%। पब्लिक आपको दो चीज करना है, मेरी बात अच्छे से सुनना, टाइमलाइन और इक्वेशन, कोई कैलकुलेटर टच नहीं करेगा, टाइमलाइन और इक्वेशन चारों चार में बनाओ अपने हिसाब से, मैं एक एक का चेक करता हूं फिर ही अपन कैलसी उठाएंगे, तब तक पूरे क्लास करना है तब तक नहीं। मैंने पीवीआई बताया है, एफवीआईएफए कैसे करने का दिमाग लगाओ, एफवीआईएफए, सिर्फ इक्वेशन नथिंग एल्स। ओके, टाइमलाइन भी बनाना, ओके। आई होप आपने टाइमलाइन बनाया होगा विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड विच
थिंग्स विल कम वेयर। सो यहां पे अगर आपने टाइमलाइन बनाया होगा दोनों तरफ में प्रेजेंट वैल्यू वाले में, और वही चीज मैं फ्यूचर वैल्यू वाले में भी बताऊंगा बिगिनिंग और एंड में, जिसके बाद ही आप इक्वेशन लिख पाओ पब्लिक 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। हाँ सर, यहाँ पे क्या था, पहला इन्वेस्टमेंट कभी कुछ नहीं बोला तो आपने क्या किया एंड ऑफ द ईयर में 10,000 लास्ट में, और बोला है तो बिगिनिंग में, बराबर। सबको किधर ला रहे हो वैल्यू को, सब वैल्यू को ला किधर रहे हो प्रेजेंट वैल्यू में, सबको किधर ला रहे हो सर, जीरो ईयर पे, सबको पीछे खींच रहे हो, समझा क्या, जीरो ईयर पे ला रहे हो। इसके लिए आपका इक्वेशन आई होप ऊपर आया रहेगा सबको। लेकिन जब फ्यूचर वैल्यू कर रहे हो पब्लिक, फ्यूचर वैल्यू में भी मैं लिख रहा हूं इधर क्या, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। सर एंड ऑफ द ईयर मतलब पहला 10,000 कभी गया, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इधर इमीडिएट 1 2 3 4 5, लेकिन सबको ले किधर जा रहा हूं, एंड ऑफ फिफ्थ ईयर आगे लेकर जा रहा हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, समझा क्या। तो कोई मेरे को बता सकता है इसका इक्वेशन तुमने क्या लिखा, इसका इक्वेशन क्या लिखा एंड ऑफ द ईयर का पब्लिक। ये पहला 10,000 जो है ये कितने साल तक आगे जाएगा, 4, लेकिन ये आखिरी 10,000 उधर ही रहेगा, उसका फैक्टर 1 रहेगा एवरीवन। सो आपने 1.12 रेस टू 4, फिर 3 2 1, और लास्ट का 1 ही लिखा रहेगा। सो आपका ये फैक्टर बनना चाहिए 1 प्लस FVIFA, कितना टका, 12% फॉर 4 साल। क्यों 1 लिखा मैंने, समझा क्या, क्योंकि सर ये जो आखिरी वाला 10,000 है उसको आगे लेके ही नहीं जाना है। किया क्या पब्लिक, ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर में क्या होगा सर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में क्या होगा, ये सबको एक एक साल आगे लेके जाना पड़ेगा, तो ये आखिरी वाले को भी एक साल लेके जाना पड़ेगा। तो मेरा इक्वेशन बनना चाहिए FVIFA 12% फॉर 5 साल। क्या नोटिस किया तुमने ये एवरीवन। सो अगर 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 आपने इक्वेशन पे अच्छे से ध्यान दिया है तो मैं आपको कुछ यहां पे बताना चाहता हूं, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अगर आपने इक्वेशन पे ध्यान दिया है तो आपने PVIFA और ये FVIFA निकाला ना पब्लिक, उसमें बिगिनिंग में और एंड में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। मतलब मैं यहां पे बता देता हूं सर, PVIF में एंड ऑफ द ईयर में क्या करते थे पता है आप, PVIFA एक्स परसेंटेज फॉर टी ईयर्स करते थे, लेकिन जब बिगिनिंग होता था तो आप क्या करते थे पता है, 1 प्लस PVIFA एक्स परसेंटेज फॉर टी माइनस 1 ईयर्स, 4 साल में किए थे, याद है। FVIFA में उल्टा, FVIFA में एंडिंग वाले में आपने क्या किया, देखो एंडिंग वाले में, एंडिंग वाले में क्या किया आपने, आपने किया FVIFA 1 प्लस FVIFA किया आपने एक्स परसेंटेज फॉर टी माइनस 1, दिख रहा है क्या यहाँ पे सर, 1 प्लस किया आपने 12% फॉर 4 साल, लेकिन बिगिनिंग वाले में, बिगिनिंग वाले में FVIFA एक्स परसेंटेज फॉर टी ईयर्स, ऐसा क्या, कोई आपको पूछने नहीं वाला ऐसा फॉर्मूला, बट आपको पता होना चाहिए कर क्या रहे अपन, समझा क्या, ये इक्वेशन बना क्या। अब कैलकुलेशन की बारी, अब कैलकुलेशन में पब्लिक जरा मेरे को बताओ कितने के कैलकुलेटर में जीटी नहीं है, हाथ ऊपर करो जरा मेरे को पता चले, सबके कैलकुलेटर में जीटी है, उसके बगैर बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। मैं आपको दोनों तरीका बताता हूं, फिर मैं जीटी वाला तरीका भी बताऊंगा ताकि आना दोनों चाहिए। सो सर यहां पे PVIFA 12% फॉर 5 साल, 12% फॉर 5 साल, मेमोरी क्लियर करो पब्लिक, 1.12 डिवाइड इक्वल टू, ये एक हुआ एम प्लस में डालो, इनटू इक्वल टू करो मैडम, इनटू इक्वल टू, हाँ टेंशन मत ले, 2 एम प्लस में गया ये, अभी सुनो गिनते रहना और 3 डालना है, तो इक्वल टू M+3, इक्वल टू M+4, इक्वल टू M+5 डालो, और सिर्फ मेरे बोलने पे सुनो मत, वो इक्वेशन पे भी देखो,
एमआरसी, चार डेसिमल में फैक्टर बताओ क्या है पब्लिक? 3.6048। बेसिकली ऑन बटन प्रेस करके करूंगा तो 36048। सर अभी मैं कैलकुलेटर यूज करूं उसके पहले आपने बताया कब 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 दोस्त इन्वेस्टमेंट करूंगा, मतलब पगार तेरे को क्या चाहिए, अपफ्रंट चाहिए या लेट चाहिए? अपफ्रंट, तो इधर आंसर तेरा ज्यादा आना चाहिए। तो सर अभी मैं क्या करूंगा, कैलकुलेटर में मेमोरी क्लियर करो, 1.12 डिवाइड इक्वल टू एम प्लस इंटू इक्वल टू एम प्लस दो इक्वल टू एम प्लस तीन इक्वल टू एम प्लस चार, एम आर सी चार गया ना, एम आर सी प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन करना पड़ेगा आपको क्योंकि पहले का फैक्टर वन है, इंटू क्या आया फैक्टर बोलो, प्लस वन क्या आया 4. कैसे पब्लिक आंसर बताओ ना मेरे को क्या आया तुम्हारे कैलसी में, 4.7 आगे चार डेसिमल में आंसर बताओ, 3। शर्मा मत, 40,373। अब यही चीज मैं पब्लिक शॉर्टकट में बताता हूं, मेमोरी क्लियर करो एवरीवन। वापस से 12% फॉर 5, 1.12 डिवाइड इक्वल टू एम प्लस में मत डालना, किया इंटू इक्वल टू स्क्वेयर इक्वल टू तीन इक्वल टू चार इक्वल टू पांच जी टी, आगे आंसर 3.6048। एवरीवन यू कैन यूज इट, बट जीटी क्या है, जीटी दो धारी तलवार, डबल एच स्वॉर्ड, ये कभी हेल्प करेगा कभी तकलीफ भी देगा। एवरीवन शॉर्टकट में आंसर देगा, सिर्फ आपको संभालना है। सर अभी एफ ए करो जीटी के थ्रू, मेमोरी क्लियर करो, मेमोरी क्लियर करो, एफ ए कैसे करोगे, 1.12 डिवाइड इक्वल टू मत करना, अभी कंपाउंड कर रहे हो, ये पहला फैक्टर इंटू इक्वल टू करो तो क्या स्क्वेयर इक्वल टू क्यूब इक्वल टू फोर इक्वल टू फाइव, और जी टी प्रेस करोगे तो जो आपको आंसर आ रहा है वो एक्चुअली गलत आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है बताओ मेरे को पहले, 5.4 चार डेसिमल में 9952, ये एक्चुअली गलत है, सुनो सुनो गलत है क्यों, अभी भी जो मैं बोल रहा हूं वापस से करो, मेमोरी क्लियर, 1+0.12 इक्वल टू किया, अब जीटी पकड़ेगा ये, इनटू इक्वल टू दो इक्वल टू तीन इक्वल टू चार इक्वल टू पांच, क्या रहा आंसर जीटी प्रेस करके, 1152। क्या हुआ पता है क्या, जब आप जीटी में डालते हो ना 1.12 इनटू इक्वल टू तो पहले वाला छोड़ देता है वो सीधा इक्वल टू के बाद वाला पकड़ता है। क्या बोला मैंने, समझा क्या तुमको दोस्त, नहीं समझोगे तो तुम गायब हो जाओगे इधर से। कंपाउंडिंग में क्या किया आपने, कंपाउंडिंग में 1.12 इनटू इक्वल टू किया ना, जीटी ने सीधा सेकेंड वाला स्क्वायर वाला पकड़ा, 1.12 पहला वाला छोड़ दिया। डिस्काउंटिंग में क्या करते थे, 1.12 डिवाइड इक्वल टू मारा ना तो ले लिया, फिर इंटू इक्वल टू भी ले लेता है। कंपाउंडिंग में तकलीफ हो सकता है, इसके लिए अलर्ट रहने का, इसके लिए मैंने आपको सेकेंड वाले में क्या करा पता है, मेमोरी क्लियर करके 1+0.12 फिर इक्वल टू मरवाया जबरदस्ती, ताकि अभी मैं जीटी को बोलू क्या ले, फिर इंटू इक्वल टू सेकेंड भी थर्ड भी फोर्थ भी फिफ्थ भी, ये प्रॉब्लम है FVIFA करते वक्त। फॉर्चुनेटली आपको फ्यूचर वैल्यू के सम्स कम है, बट ध्यान रखने का, समझा क्या एवरीवन? तो सर अब ये 1+FVIFA वाला कर सकते हो जीटी से, पहले 12% चार साल वाला फैक्टर कैसे करोगे, मेमोरी क्लियर, 1.12 अभी ये डायरेक्ट डालते तो, ये डायरेक्ट डालते तो इनटू इक्वल टू करते तो जीटी ये नहीं पकड़ता ना, तो मेमोरी क्लियर करो वापस से, क्या करोगे 1+0.12 इक्वल टू, अब जाके वो कैलकुलेटर को समझा, हाँ इसको लू ऐसा बराबर इक्वल टू मारा, अब इंटू इक्वल टू दो इक्वल टू तीन इक्वल टू चार, बस होल्ड करना जी टी प्लस वन 6.3528, समझा क्या पब्लिक, 71, 152, 63, 528 जी टी यूज करते संभल के।
अब नहीं जमे जीटी तो 1.12 एम प्लस इंटू इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस ये करते 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 जाना। लेकिन जब 30-30 साल वाला बॉन्ड आएगा तब, लेकिन तब मैडम फॉर्चुनेटली आपको पीवीआईएफए यूज करना है, तब ये तकलीफ नहीं है जीटी का, ये एफवीआईएफए में तकलीफ है सिर्फ। अब मैं ये सब क्यों करा रहा हूँ, क्यों करा रहा हूँ सर, सुनना अच्छे से, ताकि आप इसके थ्रू बॉन्ड का आंसर निकाल पाओ, जो अभी मैं नेक्स्ट सेशन में चालू करूंगा। लेकिन जरा ध्यान दो, अभी इसका करने का क्या है, सपोज सपोज मैं बॉन्ड शुरू नहीं कर रहा हूं अभी, जरा ध्यान दो पब्लिक, अभी आप इसके थ्रू बॉन्ड कैसे कर पाओगे, बॉन्ड कैसे कर पाऊंगा मैं, इधर बॉन्ड शुरू नहीं कर रहा हूं मैं, अब इसके थ्रू मैं बॉन्ड कैसे कर पाऊंगा, मेरा सिस्टम छोड़ना मत, सिस्टम क्या, इंफॉर्मेशन टाइमलाइन इक्वेशन, इंफॉर्मेशन टाइमलाइन इक्वेशन। मैं बॉन्ड, रुको आपको टाइम दूंगा 2-5 मिनट का, पहले बॉन्ड में जो बोर्ड पे दिया है उस पे फोकस करो, उसके थ्रू करने का कैसे, इधर अ डिबेंचर ऑफ 8% इज इश्यूड एट पार एंड इज रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स इफ द IRR इज 10%, वॉट शुड बी द प्रेजेंट वैल्यू। अब ये सब स्टोरी है, आपको ये स्टोरी में से मेरे को ढूंढ के देने का है क्या, पीवी एफवी वगैरह ढूंढ के देने का है। सो क्या क्या दिया सर, 8%, 8% क्या होता है बॉन्ड का कूपन। अब उन्होंने कहीं पे फेस वैल्यू नहीं दिया तो समझो मैं फेस वैल्यू दे देता हूं, फेस वैल्यू बॉन्ड का 1000 है, कूपन कितना है 8%, 8% फेस वैल्यू पे ₹80 होता है, टाइम कितना है 5 साल, एवरीवन। और क्या इंफॉर्मेशन दिया था मेरे को, उन्होंने बोला था डिस्काउंटिंग रेट IRR, IRR मतलब रेट ऑफ रिटर्न 10% है। आपको ढूंढना क्या था बॉन्ड में, प्रेजेंट वैल्यू। इक्वेशन, इक्वेशन बनाने से भी पहले मैं टाइमलाइन, व्हाट इज द पेक्युलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड, बॉन्ड का पेक्युलैरिटी क्या होता है, ये 5 साल का बॉन्ड है सर, एक टिपिकल बॉन्ड 0, 1, 2, 3, 4, 5, आपने समझो ये बॉन्ड में इन्वेस्ट किया तो एवरी ईयर आपको क्या मिलेगा, कूपन 80 80 80 80 80, और मच्योरिटी पे समझो प्रिंसिपल वापस मिल जाएगा, रिडेम्पशन वैल्यू भी समझो फेस वैल्यू जितना ही है 1000 वापस मिल जाएगा। आप ढूंढ क्या रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू मतलब इधर, कैसे सर, सबको पीछे लेकर आना, सबको 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 पीछे लाना। अब टाइमलाइन बन गया, अब इसका मैं इक्वेशन बनाऊ तो इक्वेशन पी जीरो या प्रेजेंट वैल्यू कैसे बनाऊंगा सर, 80 कितनी बार है, 5 बार है और हर साल है, तो मैं क्या कर सकता हूं, एन्यूटी कर सकता हूं 80 का, तो मैं क्या करूंगा सर, 80 इंटू PVIFA कितना परसेंटेज, 10% फॉर 5 ईयर्स। लेकिन ये 1000 एवरी ईयर आ रहा है क्या, एक ही बार आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, 1000 इंटू PVIFA नहीं लिखूंगा, 10% फॉर 5 ईयर्स, समझा, ऐसा करके मैं इक्वेशन बैठाऊंगा, बाकी सिंपल हो जाएगा। कैसे सिंपल हो जाएगा, अभी आप देखो, सुनना अब टेक्निक, सुनना कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन का टेक्निक, मेमोरी क्लियर, 10% फॉर 5 ईयर का फैक्टर ढूंढना है, जो मैं बता रहा हूं वैसे करना, 1.1 डिवाइड इक्वल टू, ये 1 साल का हुआ, एम प्लस में डालने की जरूरत नहीं, अपन जीटी यूज करेंगे, इनटू इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 5, जीटी मत प्रेस करना, मत करना मत करना मत करना, ये जो पांचवा वाला आपके कैलसी में पड़ा है पहले वो बताओ क्या है, 4 डेसिमल में 6210 है ना, क्या है 6210, उधर जो है वो बोल दो 09 है ना, हाँ ठीक है, इग्नोर वो पांचवे को, किया सर ये काम हो गया मेरा, अब जीटी प्रेस करो 3.7908, ये दूसरा काम हो गया मेरा, काय को 2 बार करूं, टेक्निक समझ रहे हो क्या पब्लिक। अब मेमोरी क्लियर कर दो,
अब डालो 18 इंटू 3.7908 एम प्लस 1000 इंटू 0.6209 एम प्लस एम आर सी और होल्ड करना जो आंसर है वो बताओ क्या आंसर है पब्लिक 0.16 पूरे क्लास का आंसर सेम तरीके से एवरीवन ऐसे करके आपने जो टाइम वैल्यू में पढ़ा किधर एन्यूटी यूज करने का किधर सिंगल यूज करने का वो क्या बताएगा इंफॉर्मेशन से टाइमलाइन से इक्वेशन दिस इज हाउ वील ट्राई टू अप्लाई वेदर इन बॉन्ड्स वेदर इन कैपिटल बजटिंग कैपिटल बजटिंग में क्या करोगे सर आपको SLM डिप्रिसिएशन है तो प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है तो PVIFA मारोगे सेल्वेज है सेल्वेज लास्ट में पड़ा रहता था तो PVIF मारते हो क्योंकि सिंगल है कब ए लेने का जब रिकरिंग अमाउंट हो कब एफ सिर्फ PVIF करने का जब सिंगल अमाउंट ऐसा हर जगह पे अप्लाई करने का बॉन्ड में स्टैंडर्ड होगा इक्विटी वैल्यूएशन कर रहे हो इक्विटी वैल्यूएशन अलग अलग कैश लो है तो PVIF कर करके पीछे लाना पड़ेगा बट सेम कैश लो है तो PVIFA करके पीछे लाओ कहां पे PVIFA यूज करने का जब अमाउंट रिकरिंग हो सेम हो जब अमाउंट सिंगल हो तो PVIF क्या आपको अभी मैं बताऊं टाइम वैल्यू का एडवांटेज जो अभी मैं बताने जा रहा हूं सर कोई भी बॉन्ड हो उसमें एवरी ईयर कूपन आएगा सी उसको मैं पीछे लाऊंगा कैसे इनटू PVIFA एक्स परसेंटेज फॉर टी प्लस रिडेम्पशन वैल्यू एवरी ईयर मिलेगा एक साल एक ही बार रिडेम्पशन वैल्यू इनटू PVIF एक्स परसेंटेज फॉर टी आपके पूरे बॉन्ड का इक्वेशन ये पूरा बॉन्ड टॉपिक है ना इस पे ही है दिस इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड व्हाट शुड बी द बॉन्ड प्राइस कूपन रिकरिंग PVIF है रिडेम्पशन वैल्यू एक बार PVIF पूरा बॉन्ड में इस पे कराने वाला हूं बट ये सब टाइम वैल्यू पे टाइम वैल्यू सही हो किधर PVIF है किधर PVIF कैसे GT यूज करने का कहां पे वन टाइम यूज करने का वो सब अभी टाइम वैल्यू एप्लीकेशन स्टार्ट होगा राइट एवरीवन ठीक है चलो आपको 2-5 मिनट का ब्रेक चेल ले लो फिर मैं बॉन्ड से स्टार्ट करता हूं राइट बॉन्ड का पहले अपन थियोरी करेंगे कॉन्सेप्ट करेंगे और फिर मैं आपको बॉन्ड का सम चालू करूं उसके पहले बॉन्ड का आपको हर सम में हर बॉन्ड का हर सम नया वैरायटी है तो तब ये टाइम वैल्यू में मैंने जो 3-4 घंटा डाला पब्लिक तब मैं अभी आपसे एक्सपेक्ट करूंगा और आपके साथ में करूंगा क्या इक्वेशन का इश्यू नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन का इश्यू नहीं होना चाहिए ताकि आप बॉन्ड में फोकस कर पाओ हो क्या रहा है वरना आप है ना आधा क्लास अटका रहेगा अरे इक्वेशन कैसा है कैलकुलेशन कैसा है PVIFA क्यों यूज किया PVIF क्यों किया वो भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा तुम्हारा वहां पे ध्यान कम रहेगा और बॉन्ड के कॉन्सेप्ट में हर सम नया कॉन्सेप्ट है उसमें ध्यान रहेगा राइट टेक 2-3 मिनट्स का ब्रेक यू ऑल वांट एंड देन वी विल स्टार्ट विद बॉन्ड्स